बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िम मलिक आपके साथ। सुबह नौ का आगाज और एक और नई सुबह के साथ एक और नया आगाज और एक और नया दिन, एक और नई बात। हम आजकल देख रहे हैं कि बड़ी खुशाइन खबरें भी आ रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आगे जब तरक्की की बात होती है तो तरक्की में सब शामिल हो जाते हैं। जैसे ही हमारे जहन में एक बात आती है, देखिए एक नेचुरल एक चीज है कि जैसे हमारे जहन में कोई ऐसी पॉजिटिविटी की बात आती है, हमारा जहन वैसे ही पॉजिटिव सोचने लगता है। अच्छा, इसमें सबको शामिल होना पड़ता है फिर, बल्कि ऑटोमेटिकली सब शामिल हो जाते हैं। लेकिन हमें अब शामिल किस तरह से होना है, जहां पर हमें पॉजिटिव खबर मिल रही है, जहां पर हमें पॉजिटिविटी नजर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान की तरक्की नजर आ रही है, वहीं पर ही हमें अब इंडिविजुअली अपने तौर से भी काम करने की जरूरत है। किस किस तरह से अपने आप को खुद बेहतर बनाने के लिए, एक अच्छा शहरी बनाने के लिए, एक अच्छा पाकिस्तानी बनाने के लिए, तो हमारे अपने ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। सिविक सेंस का होना बेइंतहा जरूर है, सोशल एथिक्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों से किस तरह बात कर रहे हैं, किस तरह बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह अक्सर मैं ट्रैफिक रूल्स के हवाले से भी बात कर रही होती हूँ, हमें ट्रैफिक पर बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें अब इंडिविजुअली भी ख्याल रखना है, और जहां पर तरक्की की बात आती है तो सबको शामिल होना है। अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी डेजिग्नेशन पे हमें अपने तौर से बे इंतहा पाकिस्तान के लिए काम करना है। जब भी हम किसी भी जगह पे काम कर रहे होते हैं, हमें सबसे पहले एक बात का ख्याल रखने की जरूरत है कि हम अपने पाकिस्तान के लिए काम करें। अगर हम किसी सीट पर हैं, किसी जगह पर हैं, तो वो जो भी हम काम करेंगे, जिसमें अच्छाई बुराई जो जो भी आएगी, तो वो हमारे हमारे अपने इस एज इंडिविजुअल भी हम एक जिस नेशनलिटी से ताल्लुक रखते हैं वो उसी के ही नाम आता है। तो हमें जिस तरह फैमिलीज में भी होता है, फैमिलीज में भी आपने देखा होगा, इसी तरह आपके फैमिली का भी नाम आ रहा होता है कि हाँ ये इस फैमिली से बिलोंग करते थे, इसी तरह एज अ नेशन हम पाकिस्तानी और अपने पाकिस्तान से हम बिलोंग करते हैं। तो हमें हर जगह पर, हर जिस भी जगह पर काम कर रहे हैं, तो हमें ये सोच के करना चाहिए कि हम अपने पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और उसी का ही नाम हम रोशन करेंगे। और अपने बच्चों को भी समझाएं, स्पेशली टीचर्स का बड़ा इसमें रोल होता है कि वो हुबुल वतनी के हवाले से बहुत सारी बातें अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाए, क्योंकि जो बच्चों को बात कही जाएगी वो हमेशा उसके उसके दिल में बड़े होते तक भी रहेगी। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है हम उनको दावत भी देते हैं। कल रिटायर मुख्तार भट्ट साहब मौजूद हैं, उनको दावत देंगे। सुहेल शम्स साहब हैं, उनको दावत देंगे। अनीस मजीद साहब हैं, उनको भी दावत देंगे। और साथ ही शहजाद शाह जिलानी को दावत देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभ तशरीफ लाने का, थैंक यू सो मच। और थोड़ी सी हम पॉजिटिव जी की बात करेंगे, और एज इंडिविजुअल हम किस तरह से अपनी भी जगह पे काम करेंगे, और बच्चों को स्पेशली, क्योंकि बच्चों को जो आप छोटी उम्र से उनको आप जो चीज सिखाएंगे वही सीखेंगे, उनको भी कैसे सिखाएंगे, कैसे आप कैसे अपने घर में बच्चों को कैसे। मुबारकबाद देनी चाहिए कि आप अक्सर पॉजिटिविटी के ऊपर हमेशा बात करती हैं पीटीवी चैनल से, इट्स अ गुड थिंग। देखिए वो मौजन जो होता है ना, उसका काम है अजान देना 5 वक्त, और जिसने नमाज पढ़नी है वो जाता है, जिसने नहीं पढ़नी वो नहीं जाता। सही है कि नहीं है? बिल्कुल। लेकिन वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता है। आप भी अपनी ड्यूटी अंजाम देते रहे। हम एज इंडिविजुअल हमें चाहिए कि जो कुछ हमसे कंट्रीब्यूट हो सकता है टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, हम मतलब जो नेगेटिविटी है उससे भी आंखें चुरा नहीं सकते और ना हम उससे आंखें बंद कर सकते हैं। उसको भी मतलब अटेंड करना है, उसको अटेंड करेंगे तो पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। तो ये मतलब इस्लाह जो है जरूरी है। आपने बच्चों की बात की, बच्चे तो माशाल्लाह आजकल के बड़े समझदार हो गए हैं जब से ये मोबाइल टेक्नोलॉजी आ गई है। ना उनको माँ बाप की फिक्र है, ना बहन भाइयों की फिक्र है, बस हर जगह आप किसी घर में चले जाएं किसी को मिलने के लिए, हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा हुआ है। तो जहाँ इसके एडवांटेजेस हैं वहाँ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक तो ये कि इससे आप दूर होते जा रहे हैं। एक जमाना था जब आप खत के जरिए हाल अहवाल मालूम करते थे, इंतजार रहता था अभी वो डाकिया आएगा, वो दरवाजा बजाएगा और खत देगा। अभी वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब तो शादी के कार्ड छपने बंद हो गए हैं, बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ गई है। वो कहते हैं जी हमारे पास आता कोई नहीं, व्हाट्सएप पे चला देते हैं मैसेज। तो ये सूरत हाल है। लेकिन ये है कि नाउमीदी को कभी भी नहीं आने देना चाहिए। बीच में इसका खलल है वो नहीं आना चाहिए इसमें, और कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ पे आप अगर कोई
ऑफ दी ट्रैक है तो आपका काम है कि उसको ट्रैक पे लेकर आए। देखिए समझाना जो है वो बहुत जरूरी है। मैं सोशल एथिक्स की बात की है, हमारे जो ये जो मोबाइल अगर जब तक हाँ ये भी सारे सोशल एथिक्स का है कि आप किस तरह बिहेव करते हैं लोगों के साथ, आपके बिहेवियर्स के ऊपर भी बात आती है, क्या कहेंगे एज एन इंडिविजुअल हमें किस तरह से खुद तरक्की में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए पाकिस्तान की। जी पाकिस्तान की तरक्की में तो पार्टिसिपेट डिफरेंट फील्ड में हो रहा है, सिर्फ अगर सेल फोन या व्हाट्सएप और या इन सारी टेक्नोलॉजी का डेफिनेटली आजकल की जो दौर है उसमें बहुत बड़ा रोल है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। आई मीन तरक्की में वो काम भी कर रहा है, तरक्की में काम कर रहा है, पॉजिटिविटी काम कर रहा है। और बेसिकली हमारे यहाँ तो एक मतलब बहुत सारी चीजें मिसालें मशहूर हैं कि इवन अगर आर्म्स एंड अम्यूनिशन है या बंदूक भी है तो उससे आप पॉजिटिव काम भी कर सकते हैं, नेगेटिव काम भी कर सकते हैं। तो सिमिलरली इससे भी होता है, लेकिन डेफिनेटली टेक्नोलॉजी एक्सेसिबिलिटी बहुत इजी हो गई है, सब कुछ हो गई है। तो उसमें ये है कि हाँ अगर जो बच्चे हैं उन लोगों को देखना पड़ता है कि जो एक्सेसिबिलिटी जो इजी हो गई है उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए, उनको किस तरह बताया जाए। और बच्चों के साथ जो है वो ओपननेस होनी चाहिए, एक फ्रेंडशिप होनी चाहिए। वो एक कॉन्सेप्ट है 20-25 साल वाला कि जो मैं बाप हूँ तो बच्चे सहम गए डर गए। तो और अब आजकल आप देखिए स्कूलों में भी काफी एडवांसमेंट हो रही है, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोगों के बच्चे भी पढ़ रहे होंगे। अब वो हाल एक दो साल के अंदर सारी बुक्स खत्म करने की बात हो रही है, टैबलेट्स के ऊपर सारा कोर्सेज होंगे। तो ये टेक्नोलॉजी की अफादियत है, ये इसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव भी देखिए ये तो है टेक्नोलॉजी की बात है जो पूरी दुनिया में, और हमें भी आगे टेक्नोलॉजी की तरफ बिल्कुल आना चाहिए। कंप्यूटर के काम या जितने भी हमारे बच्चों की तालीम है अगर वो इस लिहाज से नई टेक्नोलॉजी से हो भी रही है तो ओके अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को हुबुल वत्ती की तरफ लेकर आना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये भी हमें जो है इसको भी देखने की जरूरत है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हमारे जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो पढ़ाई हो रही है उसमें हमें चाहिए कि उनको तरबियत भी दी जाए। मुझे कई दफा इत्तेफाक हुआ है कॉलेजेस में जाके लेक्चर देने का, तो उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला बच्चों से, तो बच्चों को इस जहन में भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा कि मतलब उनको ये है कि जब हम पास कर लेंगे तो हमें मतलब कुछ ऐसी हरकतें करनी पड़ेंगी जिससे हम पैसे बनाएंगे या उस तरह जैसे जॉब के लिए हमें सोर्स की जरूरत होगी, इस तरह के जहन में। तो हमें चाहिए कि हम स्कूल में कॉलेजेस में जब मैं गया तो अपनी तरफ से मैंने इनको समझाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो 100% कोई चीज गलत कर रहे हैं, इस तरह नहीं है। हम बिजनेस अपने हक हलाल की रोजी कमाने के लिए कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जाओगे और गलत काम करोगे जब भी आप कमा सकते हो। मैंने उनसे ये बताया कि भाई देखिए ओवरऑल जो है बिजनेस अच्छी तरह से भी हो सकता है, आप ईमानदारी से बिजनेस काम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मौजूद बिजनेस पेशा है कि आप अगर सही अपनी ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको उसमें बरकत भी होगी और आप अच्छी जिंदगी भी गुजार कर सकेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसमें कोई ऐसे काम करेंगे जो सही ना हो। तो इस तरह की पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन उनको भी देना जरूरी है, क्योंकि वो तरबियत की उनमें जरा कमी मुझे नजर आई। जब भी मैंने उनसे बात की उन्होंने कहा कि ये तो इस तरह गलत हो रहा है, पॉलिटिक्स में ये हो रहा है, ये लोग सब गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने कहा सब कुछ ठीक है लेकिन आपको अपने हिसाब से पॉजिटिव तरफ जाना है, आपको अपनी तरह से सही काम करना है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तो ये भी होती है जब हम जिस तरह अपने मुल्क की बात है, हम कहीं दूसरे मुल्क में भी जाते हैं तो हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं और वो जो रिप्रेजेंटेशन है हमारी वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। द वे वी टॉक, द वे वी से, जैसे हम उनसे बात कर रहे हैं तो वो बड़ा वो एक फील होता है, अच्छा यू आर पाकिस्तानी, आप उसको बड़ा फख्र फील करते हैं। आप इंडिविजुअली कितने पसंद किए जा रहे हैं आपकी अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से, बिल्कुल ये जरूरी है। क्योंकि जब हमारे स्टूडेंट्स एक तो जो पढ़ा लिखा तबका है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अच्छे होंगे, तो इनको अच्छा मजीद करने की जरूरत है, उनको जो कॉलेज उनके अंदर हुबुल वत्ती का बाकी आप मैं को अगेन रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं। जी शहजाद आपका जो बुनियादी सवाल है वो है इंडिविजुअली हमें किस तरह से अपनी जगहों पर रहकर काम करना चाहिए, तरक्की कैसे करनी चाहिए और बच्चों को कैसे हम आगे हुबुल वत्ती की तरफ लेकर आएंगे। हुबुल वत्ती तो आपके रहती है बच्चों के अंदर, तो स्कूल में आप जाते हैं नेचुरली आपको असेंबली में आपके नेशनल एंथम प्ले होता है, दुआ होती है स्कूल में, आपको बताया जाता है 14 अगस्त होती है, तकरीबात होती है 23 मार्च होती है, तो ये तो उनको अवेयरनेस होती है कि जी ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान जिंदाबाद कहना है। बट बच्चा जब आता है प्रोफेशनल फील्ड में, जवान होता है यूनिवर्सिटी कॉलेज के बाद, उसमें पॉलिटिकल अवेयरनेस आती है, उसके अंदर सोशल अवेयरनेस ज्यादा आती है और राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स के हिसाब से उसको पता होता है कि मेरे राइट्स क्या हैं,
मुझे स्टेट क्या राइट्स प्रोवाइड कर रहा है। आजकल तो इन्फॉर्मेशन जो है वो टीवी चैनल्स के जरिए, टॉक शोज और सोशल मीडिया पे, उसको तो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में भी आ गई है। लेकिन असल मसला ये है कि वो डायरेक्शन क्या है। हमारे यहाँ जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है, अनफॉर्चुनेटली इन्फॉर्मेशन जो है वो पॉजिटिव टर्म भी है, नेगेटिव टर्म भी है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया सुहेल साहब ने। अवेयरनेस क्या है, अवेयरनेस कितनी हम दे रहे हैं, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारे अतराफ में हम रियलाइज नहीं करते कभी कभी बहुत इस तरह की बातें और स्टेटमेंट्स एंड जजमेंट्स पास करते हैं जिसको हमें रियलाइज नहीं होता कि वो बच्चा उसकी जहनीत पर, सोच पर क्या उसका मनफी असर पड़ सकता है। और वही चीज़ होती है कि वही बच्चा अडॉप्ट करता है, उसको जो है आगे पास ऑन करता है अपने फेलो कुलीग्स के अंदर या फ्रेंड सर्कल के अंदर। तो पॉजिटिविटी की जो बुनियाद है वो सबसे पहले तो रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे भी होनी चाहिए, वो सुपरफिशियल या आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए। और सेकंड ये कि जो अगर आप किसी चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव अगर एस्पेक्ट या एलिमेंट आपके माशरे में, सोसाइटी में, सराउंडिंग्स में है, तो उसको भी बड़ा केयरफुली आपको जो है उस पर बात करनी होगी। उसको आप फतवा जारी कर दें या कोई इस तरह की आप डिक्री इशू कर दें और उसको बोल दें कि ये तो ऐसा ही है, टू एक्सट्रीम्स पे नहीं होना चाहिए, बड़ा बैलेंस होकर आपको व्यू पॉइंट अपना देना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, खबरों की जानिब भी आते हैं और सबसे पहले खबर परदेसी गवादर के लिए 7 अरब के पैकेज का ऐलान। तरक्की के तमाम रास्ते बलूचिस्तान से निकलेंगे, वजीर आजम नवाज शरीफ और गवादर यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उसमें जमीन भी खरीदने का ऐलान हो गया है और साथ ही 50 तलबा को बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में तालीम भी दिलाएंगे, हेल्थ कार्ड भी जारी करेंगे। और ये खिताब किया था वजीर आजम नवाज ने गवादर में। जी हाँ, वो दौरे पर आए हुए थे यहाँ गवादर में, गए हैं, उन्होंने 25 अरब के प्रोजेक्ट्स वहाँ अनाउंस किए हैं। ये सी पैक जो है ना, ये एक जैसे कहते हैं कि गेम चेंजर है, ये हकीकत है कि गेम चेंजर है, बट इट विल टेक सम टाइम जब ये ऑन ग्राउंड आ जाएगा। अभी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होना बाकी है और मैं ये समझता हूँ कि ये यकीनन पाकिस्तान के लिए क्या, बल्कि अभी देखा जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 52 कंट्रीज जो हैं इसमें शामिल हो गए हैं, लेकिन आपको सुन के हैरानगी होगी कि चाइना ने ऑलरेडी 100 कंट्रीज के साथ MOU साइन कर लिए सी पैक के हवाले से, कि दे आर मतलब कि हम अपनी जो फैसिलिटीज है आपके लिए देंगे। तो ये एक अच्छी बात है। तो ये बलूचिस्तान हैज ऑलवेज बीन निगलेक्टेड प्रोविंस, आपको पता है, और हर दौर में थोड़ी बहुत तरक्की जरूर हुई है, लेकिन उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से कि अब फंड उनको दिए जा रहे हैं सी पैक के हवाले से, उनको शुरू ही वहां से काम हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये यकीनन एक बड़ी डेवलपमेंट है। ग्वादर जो अभी एक नई सिटी है, इंटरनेशनल पोर्ट बनेगी, तो इसके लिए इसको तो डेवलप करना मतलब बहुत जरूरी हो गया है। इसीलिए वहां कह रहे हैं यूनिवर्सिटी बनेगी, बड़ा 300 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। अभी भी तकरीबन 13,000 हमारे जो लोकल वर्कर्स हैं, लेबर है, वो काम कर रही है। ग्रेजुअली ये 1.5 लाख तक फिगर जाएगी जैसे जैसे काम जो है बढ़ता जाएगा। बस सिर्फ इसमें एक चीज जो है वो ये है कि जो प्रोजेक्ट्स हमारे लग रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, उसका जो टैरिफ है ना वो जरा बहुत हाई है, मतलब वो सस्टेनेबल नहीं होगा अल्टीमेटली। अमेरिका में चीन ने $1.2 trillion की वो की हुई है इन्वेस्टमेंट, और 1.9% के ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है। पाकिस्तान में इस वक्त 13% है इनिशियली फर्स्ट ईयर का। अल्टीमेटली व्हेन आफ्टर सम टाइम जो फाइनल हो जाएगा, इट विल एंड अप टू 35%। तो उसमें ये होगा कि बिजली की कॉस्ट जो है वो अनरीचेबल हो जाएगी। इसके ऊपर थोड़ा गवर्नमेंट को बात करने की जरूरत है। ये फिगर उन्होंने खुद रिलीज किए हैं, गवर्नमेंट ने हाल ही में। तो मतलब यह है कि ये एक इसका एक जो है नेगेटिव पहलू है कि इतनी हम हाई कॉस्ट कैसे अफोर्ड करेंगे। जी, आपका तो बल्कि शिपिंग का काम भी है, आप कैसे इसको देखते हैं पूरे गवादर पोर्ट को? मैं तो यही बताना चाहूंगा कि पहले तो ये बहुत अच्छी तरह मैं समझना है कि गवादर है क्या। देखिए गवादर एक गेम चेंजर तो है, लेकिन बेसिकली ये गवादर डेवलप पोर्ट जो है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, और ये एक डोमिनेटिंग फैक्टर है जिसको अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को नवाजा है इस चीज से, और ये पूरे रीजन का एक डोमिनेटिंग फैक्टर है। अब सिचुएशन उसके अंदर ये आ रही है कि काम हो रहा है, मगर सी पैक
तो एक वो वर्ड है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके शेल्टर के अंदर, इसके अम्ब्रेला के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन इसको जो ड्राइव कर रहा है वो गवादर पोर्ट इटसेल्फ कर रहा है। अब वो पोर्ट क्या कर रही है, वो जो ये इस पूरे रीजन में इतनी बड़ी पोर्ट है कि इससे इतने बड़े जहाज अकोमोडेट कर सकती है कि हमारे रीजन के अंदर इतने बड़े कोई भी जहाज नहीं आ सकते। इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल जो दूं कि हमारे कराची पोर्ट पे अभी एक नया टर्मिनल बना है जिसको हम SAPT कहते हैं, साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल। हमारा यहाँ पर जो जहाज के आने की जो डेप्थ पहले थी वो 12 मीटर थी। लास्ट वीक आपने देखा होगा, सुना होगा कि हमारा ही जहाज आया 14 मीटर पे हम लोग लेके आए और वो तकरीबन 9000 कंटेनर का जहाज था। ठीक है, अब गवादर में देखिए और इससे बड़े जहाज आएंगे, जैसे कल हैम्बर्ग की एक पोर्ट है ब्रीमन हार्वन, उस पे 16000 कंटेनर का जहाज लगा है और उसकी लेंथ जो है 410 मीटर है, यानी कि अगर आप जहाज की लंबाई लगाए तो ये होगा गवादर पे। अब उससे यहाँ पर जो भी ड्राफ्ट बताया है कि आगे जाके जब बिल्कुल कंप्लीशन फेज पे पहुंच जाएगा दैट वुड बी 18 मीटर्स। 18 मीटर्स पूरा रीजन में, चाहे मिडिल ईस्ट आप ले लीजिए, चाहे और दूसरे पड़ोसी ममालिक ले लें, कहीं पर भी नहीं है। और ये कुछ पोर्ट पे होगा तो उससे एडवांटेज ये होगा कि हमारी शिपिंग लैंग्वेज में उसको मदर वेसल्स कहते हैं, बड़े जहाजों वो आएंगे यहाँ पर, तो उससे हमें पाकिस्तान को तो फायदा होगा लेकिन इवन चाइना को भी फायदा होगा। चाइना जो अपने गुड्स जो बेचता है, चाहे वो पर्शियन गल्फ के थ्रू बेचता है, चाहे थ्रू हुर्मुज बेचता है, चाहे स्विस कनाल बेचता है, चाहे पनामा कनाल बेचता है, तो आप उसको डिस्टेंस वाइज देख लें कि वो 10,000 किलोमीटर लगते हैं उसको। थ्रू गवादर आ जाएगा तो दैट वुड बी ओनली 3,500 किलोमीटर। तो ये एक सबसे बड़ी एडवांटेज ये है। फिर दूसरी चीज ये है कि हम ट्रांसशिपमेंट हब बन जाएंगे। ये तो एक तो अपना कार्गो है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर चीज से नवाजा है। हमारा वाइट गोल्ड जो है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, पेरिशेबल गुड्स हैं, वेजिटेबल हैं, मीट है, यू नेम इट वी हैव इट, वो सारी चीजें एवरीथिंग एग्जैक्टली चीजों की बात है, बहुत कुछ। अब जब जो और उसके बाद ये है कि ठीक है गवादर भी है, कराची पोर्ट भी है, तो हम हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, हम प्रिंसिपल्स बोलते हैं जो कैरियर्स हैं, तो वो इस चीज को भी कंसिडर कर रहे हैं कि जैसे डबल डिपिंग हम बोलते हैं कि गवादर गया जहाज, गवादर से कराची आया तो कराची का कारो कराची उतारा, गवादर का कारो गवादर उतारा, और फिर इसमें जो दूसरी पोर्ट्स के कंट्री से कार्गो हैं, जो नियर ईस्ट के कार्गो हैं, तो वो उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जिसको हम ट्रांसशिपमेंट कार्गो कहते हैं कि कराची उतरे। और उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, गवादर पोर्ट की आप देख लें, पता नहीं वो कितनी हेक्टर के ऊपर है, तो मैं जगह को ही हमारे पास की कोई कमी नहीं है, ड्राफ्ट की कोई कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑलरेडी इन प्लेस। सिर्फ ये है कि हाँ जो आपको कनेक्टिविटी है उसको सही करना है, हमारे जो रेल कनेक्शन है उनको सही करना है, और टैरिफ्स जो है उसको सही करना है, उसको कम्पीट करना है। अब आप उसकी एग्जाम्पल हमारे जो नेबर मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उनको देख लें कि उनका तो कुछ भी नहीं है, ना उनका इम्पोर्ट होता है ना एक्सपोर्ट होता है, दे आर ओनली रिलाइंग ऑन ट्रांसशिपमेंट कार्गो के जो नेबर कंट्री कराची आ रहा है या और दूसरे ममालिक में जा रहा है, तो वो रहे। हमारी इस वक्त जो थ्रूपुट है, अगर कंटेनर के हिसाब से थ्रूपुट देख लें, 98 में 8 लाख कंटेनर आते थे, इस वक्त 2 मिलियन कंटेनर से भी ऊपर हम जा चुके हैं, और कराची पोर्ट इस वक्त जो है टर्मिनल जो है, तो हम कल रात एक जगह बात कर रहे थे, कंजेस्टेड हो गए, बिल्कुल चौक हो गए कि हमें जगह नहीं है हमारे पास। तो ये तो डेफिनेटली ये डेवलपमेंट बहुत इनवेटेबल है और जरूरी है, और इससे बेसिकली अगर हम सिर्फ बलूचिस्तान के लोगों की बात कर लें तो जो रफ स्टैटिस्टिक्स आए कि 40,000 जॉब्स तो ऐसे ही क्रिएट हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, और देखिए कितनी खुशहाली। एग्जैक्टली, और उसमें ये है कि हम भी जो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, जितने सेक्टर है, हम सब मिलकर बात कर रहे हैं,
और सर तो इनका ताल्लुक एस पी सी से भी रहा है, तो हम लोगों ने काफी इस चीज पे आपसे एकदम चली हुआ मेरे ख्याल कम से कम 15-20 साल से इसके ऊपर काम हो रहा है और अब जाके ये एक बिगनिंग स्टेज पे आया है, तो इंशाल्लाह 5-6 साल में आई थिंक सर ये प्राइस ऐसा चलते बिल्कुल उसको चलना पड़ेगा। अब आप डेवलपमेंट को डिनाई नहीं कर सकते, डेवलपमेंट को मतलब यहाँ पर कोई भी चीज आती है, कोई भी चीज इंट्रोड्यूस होती है, उसको डिनाई तो नहीं कर सकते। अच्छा, हम ये भी देख रहे थे राउट शाह बड़े जबरदस्त है, मतलब यहाँ से अगर आप देखें तो रशिया की तरफ भी, फिर पूरा सीआईएस है, उन्हें नॉट रशिया पूरा सीआईएस है, अफ्रीका है, तो वहाँ से आप देखें अगर उस तरफ का देखें तो वहाँ से बड़ा लंबा रूट जो है वो फिर पड़ता है और यहाँ से बड़ा शॉर्ट रूट, और वही बात है कि कॉस्टिंग जो है फिर वो, और अब तो है ही इकोनॉमी की पूरी जो इस वक्त दुनिया भर में अगर आप बिजनेस मैन आप इसको सही तरीके से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे ब्रेक के जाने, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, हमारे साथ ही रहें। Your Huawei 4G enabled smartphone comes enabled with a Zong 4G SIM. Just plug into your moment and multiply your experience by 4 times. A new SIM, a new dream. Zong 4G. मुल्क भर में फहरिस्त खराजात की तैयारी की जा रही है। फहरिस्त खराजात के फॉर्म में घर और घराने के बारे में मालूमात दर्ज की जाएंगी। अवाम से दरख्वास्त है कि शुमार कुनिंदा को घराने के सरबराह या किसी जिम्मेदार फर्द का नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर जरूर लिखवाएं। हम कितने हैं, हमें क्या चाहिए, गिनेंगे तो जानेंगे। जी खुश आमदेद एक बार फिर नाज़रीन, और बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की विजिट गवादर के हवाले से, और वहाँ पे बड़ी अच्छी उन्होंने स्पीच भी दी और तरक्की के हवाले से भी बात की, क्या आप कहेंगे? ये जो ग्वादर पोर्ट है ये कुदरत की तरफ से पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा तोहफा है, और इसमें जो है जो गेम चेंजर बात हो रही है ना, उसमें सबसे बड़ी इसमें फायदा ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो है बहुत कम हो जाएगा, और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रही है, तो मुल्क के लिए ये बहुत अच्छा है। अब जो पोर्ट है वो दुनिया में बेस्ट पोर्ट होगा, और वहाँ पे इतना ज्यादा डेप्थ है, और जो बड़ी वेसल है वो बल्क वेसल जो हमारे यहाँ अभी आते हैं 60-65 हजार टन के आते हैं जिसमें बल्क कार्गो होता है, तो यहाँ की कैपेसिटी है वो 4 लाख टन का जो जहाज है, जो टोटल दुनिया में 35 जहाज हैं जो ब्राजील में और चाइना में चलते हैं, जिसकी जो कैपेसिटी है वो अबाउट 4 लाख टन क्वांटिटी जो बहुत बड़ी होती है, वो इसको वो यहाँ पे वो जहाज आ सकते हैं जो कि और कहीं हम नहीं ला सकते। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं जिससे हमें हमारे मुल्क को बहुत ज्यादा फायदा होगा, और ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो होगा हमारे लिए बहुत अच्छा है। ग्वादर जो कि पहले आपको पता है कि जो अनडेवलप था, अब इतना डेवलप हो जाएगा, और जो जॉब क्रिएशन होगी ना इससे पाकिस्तान में बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज वहां पे जो लग रही हैं, और जो प्लांट अपना इलेक्ट्रिक जनरेशन जो होगी और दूसरे प्लांट जो वहां पे लग रहे हैं थ्रू आउट द रोड, और ये 2400 किलोमीटर का बड़ा रूट है जिसपे तमाम चीजें हमारी आ रही हैं, और इसमें हमारी इंडस्ट्रीज सबसे, जैसे अगर कोई फैक्ट्री बनती है तो उसमें 20-22 इंडस्ट्रीज को फायदा होता है, सीमेंट इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्री, तमाम चीजों को, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा मैं समझता हूँ है और होगा। इसमें थोड़ा सा कुछ किसी सूबे को अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको बैठ के उसको हम रिजोल्व कर सकते हैं, और ऐसी चीजें जिसमें ऑब्जेक्शन हो उसको बैठ के उसको रिजोल्व किया जाए ताकि हमें कोई और आगे जाके प्रॉब्लम्स ना हो, और हमें पाकिस्तान फर्स्ट की पॉलिसी पे चलना चाहिए कि पहले देखना चाहिए हमें तो उसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, हमारी इंडस्ट्री को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि जब हमारी इंडस्ट्री को नुकसान होगा तो वो फिर हमें बेनिफिट नहीं देगा, क्योंकि वहां इतने टैक्स हॉलीडेज हो जाए और हमें यहाँ पे लोकली ज्यादा टैक्स देना पड़े तो हम तो वायबल नहीं रहेंगे, तो वो तमाम फैक्टर्स को देख के इसको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इसमें बहुत तरक्की करेगा। बिल्कुल जी शहजाद, बहुत ही वायबल पोर्ट है, इस पर मेरा ख्याल है कि पहले बात हो चुकी है, टेक्निकलिटीज पे बड़ा इंसाइट, इसका जो ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म जो है, अगर इफ
सिक्योरिटी सिचुएशन रिमेन्स काम पीसफुल और बड़ा जबरदस्त किस्म का हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है. इन्वेस्टमेंट तो आएगी, इन्वेस्टमेंट में आना है, उसको आप रोक नहीं सकते क्योंकि इतना काम हो गया. यू आर हाफ वे थ्रू, आप जा चुके हैं आगे. टेक्निकलिटी से बताया कि तकरीबन कोई 3000 का आपने बताया कि डिस्टेंस जो है वो चाइनीज का. चाइना जो है खुद भी जिस तरह कह रहे हैं कि अब 100 कंट्रीज की बात हो रही है. अभी किंग सलमान भी जो हैं सऊदी, वो भी वहां पर है, उनके भी काफी बिजनेस जो है वो टर्म्स हुए हैं उनके साथ. जी 20 MOUs हुए हैं विच इज एक्सपेक्टेड के जो प्रोजेक्टेड है एस्टिमेट वो कह रहे हैं जी $50 बिलियन के करीब के कोई है. लाइक वाइज आपके और भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो ये नेक्सस एक बन रहा है जो कि माजी में हम देखते थे कि चाइनीज प्रेजेंस इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जरा कम थी, अब वो बढ़ रही है. अब एक वो उस मार्केट को भी टैप कर रहे हैं. दूसरी बात ये कि जो हमारे यहाँ एक चीज है जिसको हम कहते हैं कि गवादर विल सर्व एज अमेजोन, अमेजोन रिवर नहीं amazon.com, जो कि मल्टी बिलियन की जो शिपमेंट्स जो होती है वो हैंडल कर रहा होता है. ये हमारे एक बड़ा एक पॉजिटिव एक ट्रेंड हमारे पास आएगा कि पाकिस्तान गवादर विल सर्व एज दैट हब, कि जो मल्टी बिलियन की जो ट्रेडिंग जो है वो हैंडल होगी वहां पे. वी विल सर्व एज इकोनॉमिक ट्रांजिट for the world, entire world. बिल्कुल. और सबसे एक अच्छी बात ये भी कि कल वजीराम साहब ने जो ऐलान किया स्पेशली यूनिवर्सिटी के हवाले से भी और हेल्थ के हवाले से भी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो रीजन हमेशा इन चीजों पे एक शिकायत उनके थी कि एजुकेशन का और हेल्थ का जो है वो हमें कमी वहां पर महसूस. देखिए जो उन्होंने वहां पे एक तो देखें इकोनॉमिक एक्टिविटी तो वहां पे हो रही है, इन्वेस्टमेंट भी आ रही है. उन्होंने बड़ा एक अच्छा एक जश्न दिया, वो ये दिया कि उन्होंने कहा जी यहाँ पर तो बाहर से लोग आए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, सब कुछ ठीक है, बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन मुकामी लोगों का उसमें कितना हिस्सा है. तो ये जो कंसर्न एड्रेस उन्होंने की है या इस पॉइंट को उन्होंने रेज किया और अश्योर किया है कि इसको हम एड्रेस करेंगे कि मुकामी लोगों को उसका फायदा पहुंचे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जब तक आप उस महरूमी को खत्म नहीं करेंगे, आप कितनी भी डेवलपमेंट कर लें वहां पर जो है इंटरनेशनली आपको बताना होगा कि आपने लोकल, और ये वैसे भी एक रूल होता है, राइट होता है कि आप कहीं पे भी डेवलपमेंट करते हैं तो लोकल जो आपके उनकी अपलिफ्ट, इकोनॉमिक अपलिफ्ट, उसकी सोशल अपलिफ्ट बड़ा जरूरी है. दूसरा ये कि जो 100 करोड़ का उन्होंने जो पैकेज अनाउंस किया है पीने का पानी और जो ड्रेनेज स्कीम्स के हवाले से, उसकी बड़ी जरूरत है क्योंकि इतने बड़े आप क्वांटम पे जब आप जाते हैं इन्वेस्टमेंट के और मॉडल आप पोर्ट के तौर पे आप बात करते हैं तो उस इलाके की अपनी जो हालत है उसको भी आपको नजर रखना है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फिर उन्होंने पानी के हवाले से बताया कि वो सीपैक में कोई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है जो लगना है, लेकिन उन्होंने कहा कि उसका हम इंतजार नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ से भी स्कीम देंगे. गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें अनाउंस की हैं, 300 बेड का हॉस्पिटल, उसके बाद वहाँ यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा जो 50 जो उन्होंने कहा है कि जी स्टूडेंट्स को जो है वो हम चाइना भेजेंगे चाइनीज लैंग्वेज लर्न करने के लिए एक साल के लिए. फिर उन्होंने कहा है कि 50 और स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ पर वजीफे दिए जाएंगे पढ़ाई के हिसाब से. तो ये सारी चीजें जो है वो वहां पे लोकल आवाम के लिए बड़ा जरूरी है कि मुकामी लोगों को इन चीजों की सहूलत आप मिले. बिल्कुल सहूलत, डेफिनेटली डेफिनेटली. अगली खबर की जानिब भी आती हूँ. जनरल बाजवा की चीनी सियासी और अस्करी क्यादत से मुलाकातें, पाक चीन फौजी तआवुन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक. पाकिस्तान चीन जो है हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है. अगर पूरी दुनिया में नजर दौड़ाएं तो हमें एड तो ज्यादा अमेरिका ने दी है, लेकिन सबसे डिफिकल्टी उनसे ही हमें पेश होती रही है. जब हमें जरूरत पड़ी उनकी मदद की तो उन्होंने सैंक्शन लगा दी, लेकिन चाइना हैज ऑलवेज बीन द फोरफ्रंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. और जितना ताउन उन्होंने किया है वो कर सकते हैं. मिलिट्री हार्डवेयर टेक्सला में आप देखें टैंक्स बन रहे हैं, जहाज बन रहे हैं, गन्स बन रही हैं, हर तरह मिसाइल टेक्नोलॉजी की तरह. तो अभी 23 मार्च को आपको पता है परेड हो रही है, उनका भी एक कॉन्टिजेंट जो है चाइना का वो आके शामिल होगा, पार्टिसिपेट करेगा. टर्की का बैंड भी आ रहा है. तो मतलब यह है कि ये नए एवेन्यूज हैं, ये लोगों को करीब लाने का एक और भी अच्छा तरीका है, क्योंकि चीनी पाकिस्तानी भाई भाई हैं, ब्रदरली रिलेशन है हमारे. कहते हैं ना हायर देन हिमालय डीपर देन ओशन
और स्वीटर देन हनी। अच्छा बड़ा अच्छा लगता है जब हम कहीं जाते हैं, हम देख रहे होते हैं हमारे चीनी बहन भाई जब आए होते हैं तो सब, मतलब ये तो एक तो कंट्रीज है, कंट्रीज का आपस का प्यार और आवाम का भी सेल्फीज उनके साथ हो रही है, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और वो भी बड़ा अच्छा जेस्चर आपके साथ बात कर रहे होते हैं, तो ये जो फ्रेंडशिप है ना ये बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह सब वेरी वेरी स्ट्रांग। इनका जो जनरल बाजवा का विजिट प्राइमरीली टू अश्योर चाइनीज गवर्नमेंट के भाई आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं स्मूथली चलेंगे। आपको पता है एक डिवीजन बनाया हुआ है फौज ने इनके लिए फॉर सिक्योरिटी ड्यूटीज अपार्ट फ्रॉम अदर सिक्योरिटी अपरेटिस, तो वो एक किस्म की रीअश्योरेंस है कि जी वी विल इंश्योर कि इस मामले में किसी किस्म की, क्योंकि टेरर अटैक तो हमेशा रहता है जब तक फैसिलिटेटर्स का खात्मा नहीं होगा मुल्क के अंदर से, उस वक्त तक वक्फे वक्फे से इंटरवल से ये वाकयात होते रहेंगे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि काफी कमी आ गई है इसके अंदर, पहले वाली बात नहीं रही है। तो इसमें आवाम का भी तान बड़ा जरूरी है, जब तक कि वो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे आस पड़ोस के लोगों में हम कौन, क्योंकि वो पैरा ड्रॉपिंग करके नहीं आते हैं ये लोग ज्यादातर, ये आते हैं कहीं आके क्याम करते हैं, वहाँ आके फिर अपनी तैयारी करते हैं और उसके बाद फिर जाते हैं, उनको ड्रॉप करने में भी जाते हैं, प्लानर्स को भी देखना है एग्जैक्टली जहाँ पर हो रही है प्लानिंग, जो प्लानर्स हैं उनको एश्योर किया है चाइना को कि आप इत्मीनान रखेंगे जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है, क्योंकि कुछ खबरें आ रही थी आपने देखा माजी में चाइनीज किडनैप हो गए, कुछ मर्डर भी हो गए, कुछ प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, इसमें तकरीबन कुछ 13,000 चाइनीज हैं वो काम कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि हमारी ड्यूटी है कि वो हमारी मदद कर रहे हैं तो वी मस्ट प्रोटेक्ट देयर लाइफ, ठीक है कि नहीं, तो इसलिए वो उनका ये दौरा बड़ी अहमियत का है और होपफुली इंशाल्लाह ये दिन ब दिन ताउन जो है मजीद बढ़ता रहेगा। बिल्कुल, और ये दोस्ती माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी बड़ा अच्छा लगता है जब पाकिस्तानी चाइना जाते हैं, वहाँ पर उनको बहुत प्यार मिलता है और जब चाइना से लोग पाकिस्तान आते हैं तो भी बड़ा अच्छा लगता है, स्पेशली बड़े बड़े शॉपिंग मॉल जाते हैं वहाँ पर नजर आ रहे होते हैं, सुबह 4 बजे लाइन लगी होती है वीजों के लिए, इतना मतलब रश है, लोग जाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मैं दोस्त करूंगा, माशाल्लाह जो बाजवा साहब गए हैं तो इन सारी चीजों को ही इंडोर्स करने गए हैं और मतलब एश्योर उन्होंने किया है, तो उनकी एश्योरेंस प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच ये सारी एक मजमुआ है कि जो कि चाइनीज को एक लेवल ऑफ कंफर्ट दे रही है कि उनके जो इन्वेस्टर्स हैं और जो भी प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर को और क्या चाहिए, हम सब यहाँ इन्वेस्टर ही हैं, हम भी अगर हम अपने आप को देखें तो हमें भी तो यही चीज चाहिए ना, कि हमें भी एक अश्योरेंस चाहिए कि अगर हम कुछ करते हैं तो उसके लिए वो बनता भी है नहीं बनता, आगे चलता भी है नहीं चलता, तो उनको भी सारी एश्योरेंस चाहिए। अब रफ तो फिगर्स हैं कि बीन जो टोटल उसकी पैक की प्रोजेक्ट की कॉस्ट है दैट इज इन बिलियंस ऑफ डॉलर, 45 बिलियन डॉलर है, कुछ ज्यादा 50 बिलियन डॉलर है। हमारी ये बातें करना तो बड़ी आसान बात है, लेकिन अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ रियलिटी देखें कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो अगर उसको आप श्योरिटी ना दें, उसको इंडोर्समेंट ना दें और सिक्योरिटी ना दें तो वो किस तरह करेगा। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है और उसमें हम जैसे बहुत सारे सर जैसे और हमारे दूसरे कोलीग्स हैं, जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है इसको न सिर्फ बहुत ही पॉजिटिव ले रही है बल्कि उनको सपोर्ट कर रही है और उनको हर जगह बात कर रही है कि नहीं आप फिक्र नहीं करें, वी आर देयर, और अगर कहीं कोई भी ऐसी आइडेंटिफिकेशन की चीज होती है वो होगी। अब इस तरह के एलिमेंट तो हर वक्त होते हैं और आई मीन चाइना से कोई, जैसे सर ने कहा कि हमारी जो रिलेशनशिप है वो हायर देन हिमालयाज है और डीपर देन ओशन है और स्वीटर देन हनी है, तो ये आज से तो नहीं है, ये 65 साल से ऑलमोस्ट चल रही है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके हुई है और उसकी वजह से ही यहाँ पर कितनी चाइनीज आए हुए हैं। इवन उनकी एयरलाइन है, आप देख लें कि बीजिंग इस्लामाबाद कराची जो है इट्स ऑलमोस्ट नाउ थ्राइस ऑफ 4 टाइम्स अ वीक नाउ, और अब वो उसको कन्वर्ट करने के लिए कि डेली फ्लाइट वहां से एक चलाए, तो मैं दिस मीन्स कि कितना इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन हो रहा है, कितनी टेक्निकलिटीज आ रही है, नो हाउस आ रही है, नो हाउ एक्सचेंज हो रही है, पाकिस्तानी चाइनीज सीख रहे हैं, चाइनीज पाकिस्तानी सीख रहे हैं,
और इवन चाइनीज पान खा रहे हैं. तो आई मीन दिस इज द गेस्चर. आई मीन दे और इवन आप चाइनीज देखें, दे हमारे कल्चर से इतना वो इंप्रेस है कि हमारे ड्रेस एक चीज है. एक इंस्टीट्यूट जरूर यहाँ पर होना चाहिए जहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज हो, फिर यहाँ पे सब इजीली जा सके. ट्रेनिंग का भी बंदोबस्त होना चाहिए तमाम जो मैं सुना हो रहा है. काफी सारी पंजाब में आम शख्स जो है वो जा सके. लेकिन चाइनीज ने देखिए इतनी तरक्की की है मगर अभी तक उनको इतनी अंग्रेजी का वो नहीं है जितना पाकिस्तान में. आप लोग देखें कि अगर बिजनेस कम्युनिटी है वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी चाइना की है, उन्होंने अंग्रेजी इतनी सीखी नहीं है फिर भी उन्होंने इतनी तरक्की की. एक्चुअली वो बिलीव करते हैं अपने नेशनल लैंग्वेज. अच्छा हमारे साथ एक कॉलर है, जरा उनसे बात कर लेते फिर मैं आपकी तरफ आऊंगी. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, सलाम की नाजिया जी. साबिर जी बिल्कुल ठीक है, क्या कहेंगे आप? नाजिया मैं ये कहना चाह रहा था कि हमें जो है चाइना जो इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके हवाले से हमें उनको प्रॉपर जो है सिक्योरिटी भी फराहम करनी चाहिए. हमारे को अपने मुल्क की हालात का जायजा लेना चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त जो आज भी शबकदर के अंदर भी धमाका हुआ है और हर जगह जो है मकसद काफी जगहों पर नुकसान हुए हैं. हमें जो है ना देखिए इस पे तो काम हो रहा है, अभी हमने जो खबर पड़ी है वो भी हमें यही खबर पड़ी है, इस पे काम हो रहा है डेफिनेटली. जी मैं ये कह रहा था कि देखिए दोस्ती तो अपनी जगह पे है, सारी डीप हमारी दोस्ती है, सब कुछ है. लेकिन मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज कहूंगा, दोस्ती तो है लेकिन जितना फायदा हमको है उससे ज्यादा फायदा चाइना को है. अगर चाइना को फायदा नहीं होता तो शायद वो दोस्ती इतनी अहमियत ना हासिल कर सकती. तो दोनों तरफ फायदा है. अगर ये फायदा ना होता तो मैं ये समझता हूँ कि जो दोस्ती नो डाउट आप और हम नॉर्मल लाइफ में भी देखें दोस्ती होती है, लेकिन जब दोनों जगह दोनों के इंटरेस्ट हो तो वो मजबूत दोस्ती हो जाती है. तो इसकी जो वजह है अभी जो मजबूती की वो ये है कि उनका इंटरेस्ट हमसे ज्यादा है और उनको बेनिफिट जो है इन टर्म्स ऑफ मनी आप देखें तो उनको ज्यादा है. लेकिन हमें इतना ज्यादा है कि हमें खुशी है कि उनको भी अगर उनको बेनिफिट मिलता है हमें भी मिलता है. लेकिन आप देखिए अगर समझ सके इर्द गिर्द कुछ ऐसे ममालिक भी हैं बेशक उनको भी फायदा और हमें भी हो लेकिन वो फिर भी हमारे फायदे पे कभी भी खुश नहीं होते हैं. लेकिन ये है कि देखिए जब दोस्ती होती है तो फिर एक दूसरे के फायदे पे खुश हुआ जाता है. दोस्ती तो है लेकिन अगर देखिए ना उनका फायदा हमारा फायदा फिर मजबूती हो गई. बिल्कुल जी बिल्कुल जी, वही है ना. अगर सिर्फ हमारा फायदा होता वो हमें दे रहे होते तो हम कहते फिर ओनली दोस्ती है. लेकिन मेरा कहना ये है कि दोस्ती भी है और ये जरूरत भी दोनों की है. बिल्कुल जी बिल्कुल जी जी बिल्कुल. जो चीफ ऑफ आर्मी का विजिट है 3 रोजा वहाँ पर मीटिंग्स जो हुई हैं काफी इसी हवाले से हुई है कि जो पीस एंड सिक्योरिटी के मामला क्या हैं. चाइनीज डेलीगेशन से जो उनकी मुलाकातें हुई हैं उसमें दे शोड दे रिपोज कॉन्फिडेंस इन दी पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड आर्म सिक्योरिटी फोर्सेज हमारी हैं इन प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी. और दिस कम्स एट अ टाइम कि जिसमें आपका आपके आर्मी चीफ चाइना में होते हैं और प्राइम मिनिस्टर आपके गवादर में होते हैं और गवादर में ही स्टेज ओवरनाइट और वहां पे वो चक्कर वक्कर घूमते भी हैं, लोगों के कंसर्न भी एड्रेस कर रहे हैं. तो दिस कॉम्प्लीमेंट्स द सिचुएशन एंड ये रीअश्योरेंस काफी है मेरे ख्याल से. माजी में हमारे यहाँ ये बातें होती थी कि जनाब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पूरा एक फ्लैग पूरा मार्च कर रहे हैं तो वो तो फिर जाहिर है दहशतगर्द तो भाग जाएगा और वगैरह वगैरह इस तरह की बातें थी. लेकिन अभी अगर आपकी सिविलियन लीडरशिप वहां पर मौजूद है बशमूल आपके सूबाई जो आपकी क्यादत है प्राइम मिनिस्टर तो और वहां पे घूम फिर रहे हैं एड्रेस कर रहे हैं तो उसका मतलब कि एक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रही है. दूसरी बात ये कि और यही चीज उन्होंने कहा है कि जी हमें इस पर कोई कंसर्न नहीं है या हमें कोई एम्बिग्यूटीज नहीं है. इसके अलावा ये कि आपका जो चाइना और पाकिस्तान के हवाले से जो बात हो रही है इन्वेस्टमेंट और कौन कितना गेन कर रहा है, देखिए माजी के अंदर अगर हम देखें नजर डालें तो हमारे बहुत सारे बरादराना ताल्लुकात थे बहुत सारे ममालिक के साथ, उन्होंने हमारे ऊपर कुछ मेहरबानियां की होंगी लेकिन उसके अगेंस्ट हमने भी उनके इंटरेस्ट को सर्व किया और बड़ा नुकसान खाया. आप इशारा समझ जाए ज्यादा खुल के बात नहीं सकती. हमने बड़ा नुकसान खाया. मैं इस बात का कायल हूं कि अगर आपने किसी कोई आपके ऊपर मेहरबानी कर रहा है तो वो करे बेशक और वो मुझसे उसका बदला भी ले ले और वो एक उसका जो है ना इक्वालिटी बेसिस पे हो कि आप इन्वेस्टमेंट करें आप बेशक अपना फायदा उठाएं मगर इस्तेमाल होने के लिए नहीं. और ये पॉजिटिव है, ये हमारी जो है ये दोस्ती पॉजिटिव है, इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव है. जो पैसा लगाएगा वो जाहिर निकालेगा भी. हर एक के लिए बात है बिल्कुल जी. अच्छा हम जाएंगे अभी ब्रेक की जाने, ब्रेक में मजीद खबरें भी हमारे पास मौजूद है उन पर भी हम डिस्कशन करेंगे. आप हमारे साथ ही रहें. एक नया
सूरज उभरा एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है, ये वो और नई है सुबह नौ, पूरे 7 दिन के लिए 2000 MB सिर्फ 100 रुपए जमा टैक्स में। अभी *2*1# डायल करो और 4 गुना बेहतर 4G इंटरनेट के मजे उड़ाओ। Zong 4G। जी नाज़रीन, खुश आमदेद एक बार फिर। और अब हम मर्दमशुमारी पे बात करेंगे, इस वक्त जारी है सिलसिला, क्या कहेंगे आप सबसे पहले? देखिए, मर्दमशुमारी सबसे ये मतलब 17 साल के बाद हो रही है, 98 में हुई थी, 19 साल के बाद। हाँ, 19 साल के बाद, तो नॉर्मली हर 10 साल के बाद होती है। तो स्टैटिस्टिकल ब्यूरो जो है वो सोया रहा है, 19 साल कोई उन्होंने परवाह नहीं की। और अभी बहुत ये मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है इस वक्त मर्दमशुमारी का, जो आप अखबारात में खबरें वगैरह आ रही हैं इसके हवाले से कि पेंसिल से लिखा जा रहा है, सोशल मीडिया पे अपलोड हो रही हैं। तो हालांकि गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन ये दिए हैं कि आप ये जो है ये पेन से भरेंगे, बॉल पेन से भरेंगे, पेंसिल से मिटा के तो आप जो मर्जी उसको कर लें। तो इसमें मतलब यह है कि प्रॉपर अभी होमवर्क नहीं किया गया। एक तो ये कि एन्यूमरेटर्स जो है वो 40% जो है वो खवातीन है। अच्छा, 40% खवातीन है, उनको कोई किसी किस्म की ट्रेनिंग नहीं दी है। अभी रोजाना मेरा ख्याल है कुछ लोग खवातीन आदमी जो है वो सस्पेंड हो रहे हैं कि वो सही काम नहीं करते। 121 रुपए रखे हैं इनके लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, 121 रुपीज। अच्छा, अब फिर 2 ब्लॉक दिए 250-250 घरों के, एक न्यूमरेटर ने 500 घर वो करने हैं, मतलब कंप्लीट करने। कराची में फ्लैट सिस्टम है, ठीक है, और पानी की एक बोतल उनको दे रहे हैं खातून को, वो पूरे दिन में एक बोतल पिएगी पानी, वो तो एक ही दफा जब खुल जाएगी तो आधे घंटे घंटे के बाद खत्म हो जाएगी। फिर 4 सीढ़ियां, 4 मंजिलें कौन चढ़ेगा? ठीक है, बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि पूरा किया जाए, इसके ऊपर काम नहीं किया गया। फिर देयर शुड बी मोबाइल टॉयलेट फैसिलिटीज फॉर द वुमेन, मतलब ये चीजें इग्नोर की हुई है ना, मैं ये बताना चाहता हूँ आपके। लेकिन अब उसके अंदर मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग ये है कि एटलीस्ट एक इनिशिएटिव तो आया है मर्दमशुमारी करने का, कि 19 साल के बाद ही आया, चलो आया तो, लेकिन अब उसके अंदर ये कि ये रिलीजियसली सही होनी चाहिए। और इसमें मैं तो ये कहूँ कि हर चीज हमें गवर्नमेंट पे नहीं डालनी चाहिए। हमें ठीक है, हमसे जो कुछ हो सकता है, अगर पानी की बोतल देनी है या कहीं कुछ और तरह से कोई फैसिलिटेट करना है करें, लेकिन रिकॉर्डिंग जो वो रिलीजियसली सही रिकॉर्ड। एक बात है कि ठीक है, एक बोतल पानी की ऑल राइट, लेकिन मेरे घर जब भी कोई मेहमान आता है तो मैं हमेशा पानी जरूर या चाय उनको जरूर पूछते हैं, चाहे वो किसी और, जब भी किसी के घर जाते हैं, हमारे तो वैसे इतने मेहमान नवाज हैं, एक नेचुरल बात है। खैर, वो तो आपने ठीक है अपनी जगह सही बात की, लेकिन हम पाकिस्तानी बहुत मेहमान नवाज होते हैं, वो एक अलग एक और चीज है। जी, तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है, अब ऑब्वियसली वो इतनी विजिलेंट होनी चाहिए और अनइंटरप्टेड होनी चाहिए, स्लोलेस होनी चाहिए, कि हमें एट द एंड ऑफ द सेशन या एट द एंड ऑफ द पूरी एक्सरसाइज, हमें उस पे हर कोई बैठ के इत्तेफाक करे कि हाँ ये बिल्कुल सही है, ये ना हो कि उसके ऊपर एक और बस ये पेंसिल वाली जो बात है, पेंसिल है, मैं तो ये कहूंगा कि पेंसिल पेन की भी क्या जरूरत है, इतनी आपके पास टेक्नोलॉजी, उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्या जरूरत है आपको पेन से कर रहे हैं, पेंसिल से कर रहे हैं, या वो फॉर्म भर रहे हैं कि कांट यू डू ऑन यू नो कंप्यूटर और व्हाट एवर इट इज, अभी फॉर्म बना लें, उसको भरे, उसको करके उधर ही उधर डेटा ट्रांसफर करें, कंप्यूटर साथ तो नहीं ले जा सकते, वो तो इट हैज टू बी मैनुअल।
नहीं वो मैनुअल भी है सर, लेकिन ये कि है मैनुअल भी, इसका भी हो सकता है पेंसिल का जो लोग देख रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ से तो कम से कम आप एक दूसरे को बता सकते हैं। सोशल मीडिया में भी आ गया है अब कितना ज्यादा कि आप सिर्फ पेन का इस्तेमाल करें, अगर आपके पास कोई आता आप खुद उसको इनिशिएटिव लें और पेंसिल से आप जो डिस्क्रिपेंसीज है वो हाईलाइट मीडिया कर रहा है डेली बेसिस पे। सर वो डिस्क्रिपेंसी हाईलाइट तो कर रहा है लेकिन बेसिकली एंड एंड क्या होगा, एंड कुछ नहीं, एंड हमें यही देखना है, हमें जो एंड हम लोग जो रिक्वायर करते हैं यही चाहते हैं कि हम सब उस सेंसस पे एक्सेप्ट करें कि हाँ ये रिजल्ट सही है बिल्कुल। ये ना हो कि 19 साल बाद इतनी बड़ी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है सब कुछ हुआ उसके बाद फिर वो किसी न किसी एनोमलिटी का शिकार हो जाए और फिर वो पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। जी मैं सिर्फ ये कहूंगा कि देखिए जो नुमाइंदे आ रहे हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, वो भी हम में से हैं, तो हमें उनके साथ तावुन करना चाहिए और हम तावुन करें। ये पेंसिल वाला जो इश्यू है मैं समझता हूँ वो एक दो इंडिविजुअल का हो गया है कि उन्हें या तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी या उन्होंने अपनी तरफ से कर दिया, तो ये अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए कि पेंसिल का यूज तो जरूरी नहीं है, वो तो पेंसिल नो डाउट सब इस्तेमाल करें और जो वो रिकॉर्डिंग करें वो प्रॉपर हो, वो उनसे भी हम कॉपरेट करें वो भी हमसे कॉपरेट करें ताकि ये बात सही तरह से आगे तक उसकी जो कैलकुलेशन है वो पूरी हो जाए। और जो बिल्डिंग का जहां तक चालू के एक नंबर का, तो वो अपार्टमेंट्स के हिसाब से जितने अपार्टमेंट्स हैं उतने नंबर अलॉट हो जाएं, वो एक बिल्डिंग पे अगर 10 हैं तो 10 नंबर उसमें अलॉट हो जाएं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि 10 घर हैं। तो ये सारी जो एनोमलीज हैं उसको दूर होना चाहिए और हम उसके साथ तावुन करेंगे तो मैं समझता हूँ इतना इश्यू नहीं है, लेकिन हम अगर तावुन ही ना करें और हम हर जगह उसमें खराबियां निकालेंगे तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी। ज़ाहिर है गवर्नमेंट को भी उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, हमें भी उनके साथ तावुन करना चाहिए, उन्हें भी हमारे साथ तावुन करना चाहिए, तब जाके ये बात आगे बढ़ेगी। और ये हमारा मुल्क है, हमारा सेंसस है और हमने अपने अपने जो 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 इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर देनी है, उन्हें प्रॉपर रिकॉर्ड करनी है, वो तब ये सारा मिला जुला रुझान है और हमें उसको मिलजुल के ही हल करना है। अगर हम उनके ऊपर छोड़ दें तो भी नहीं होगा, हम खुद कहें कि हम खुद कर लें वो भी नहीं होगा, गवर्नमेंट अकेली कर ले वो भी नहीं होगा, सब मिलके ही। कहीं से कोई लगता है कि किसी के पास अब देखिए आपके मोहल्ले में आ चुके हैं लेकिन आप घर पर नहीं थे तो आप उसके उसको खुद उनको आप जो इत्तला करें और बताएं कि भी हम अभी नहीं मौजूद हैं, हमारे पास वापस आए, आप कॉन्टेक्ट करें, अपना कोई रजिस्टर कराएं। बिल्कुल जी जी शहजाद क्या कहेंगे। एक तो देखें सेंसस आपके पास 19 ईयर से कोई एक्सरसाइज नहीं हुई, लास्ट सेंसस में जो एस्टिमेट था वो 14 मिलियन का था जी उन्होंने रिकॉर्ड की, उसके अंदर भी वो लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो ऑब्जेक्शन थे, डाउट्स थे कि ये सही हुई ट्रांसपेरेंट हुई नहीं हुई, शहरी आबादी बढ़ा दी देश कम कर दी, इस तरह की बड़ी बहुत सारी बातें। विदाउट गोइंग टू फर्दर डिटेल्स मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें अभी मरहला भी बाकी है। जो ये सिंध हकूमत ने रेज किया है मुराद अली शाह साहब ने कि जनाब ये अपार्टमेंट्स को काउंट करने का तरीका क्या है, देखें कहने का मकसद ये कि आपके पास अब 19 साल के बाद एक तो टेक्नोलॉजी आपके पास आ गई है, अवेयरनेस आपकी आ गई है, सोशल मीडिया व्हाट्सएप वगैरह सारी चीजें आ गई हैं, इंफॉर्मेशन आउटरीच का जो दायरेकार है वो बढ़ गया है। अब अगर ये पेंसिल से भर रही थी खातून कोई और उसकी वीडियो क्लिप आ गई तो दिस इज वेरी टाइमली, और वो जो सेंसस कमिश्नर्स हैं या जो इंचार्ज हैं जिस तरह ये नोटिस लिया गया कमिश्नर साहब ने फौरन उसका एक नोटिफिकेशन इशू किया कि जनाब ये कोई भी पेंसिल से ना भरे इसको पेन से भरे, अगर देखें ये ब्लॉक हो गई ना वहाँ पे चीज तो बस बात खत्म हो गई। अब जो सिंध हुकूमत का या किसी और हुकूमत का या किसी और इंडिविजुअल का अगर कोई चली जाएंगे, असल पॉइंट है कि जो 9 खाने भरने हैं अब बात आएगी उस पर, ये तो बड़ा माइन्यूट किस्म की एक बात आ गई थी सामने, असल अभी शोर उठेगा जब वो 9 आपके खाने भरे जाएंगे कि जनाब चूल्हे कितने, हाउस होल्ड कौन है, आपके घर अगर आपका है तो उसका वो दिखाएं किराए का जो एग्रीमेंट है और अगर ओनरशिप है तो वो डॉक्यूमेंट दिखाएं, अभी सारा मसला आएगा इस पे। और ये सेंसस अभी इतना आसान नहीं है कि आपने बस कर दिया और हो गया, अभी इस पे बाद में इस पे ग्रीवेंसेस आएंगी, उजर पेश होंगे, लोग जाएंगे, बड़े मसाइल हैं, 2-3 महीने के बाद जाके इसका पता चलेगा आपको कि जी फाइनल आपके जो सेंसस पॉपुलेशन है घर शुमारी खाना शुमारी आदमशुमारी कितनी हुई है। ओके जी कॉलर उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अली क्या कहेंगे? कि आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, तो आपके बारे में आज जो गुफ्तगू हो रही है उसके बारे में मैं कुछ कमेंट करना चाहता हूँ। जी 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 पॉलिसी दोस्ती है ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे से चली आ रही है, आप तो माशाल्लाह से तुक्के के साथ जितनी प्यारी फ्रेंडशिप हो गई है
और 23 मार्च को भी हमने सुन रहे हैं कि तुर्की और चाइना से भी फौज आ रही है, एक तरफ से बैन की आ रही है और एक तरफ से प्रे के लिए आ रही है। जी जी बिल्कुल पॉजिटिव सोच आपकी भी, और यही हम हर पाकिस्तानी की ये देख रहे हैं कि बड़ी पॉजिटिव सोच है और बड़ी आगे बढ़ने की सोच है, और जब इंसान की सोच पॉजिटिव होने लगती है तो ऑटोमेटिकली हर चीज इंसान को ख्याल आने लग जाता है कि हाँ हम भी आगे कर सकते हैं, ये भी आगे बढ़ सकते हैं। बल्कि कल भी हमारे शो में बात हुई और हम रोज ही आपको आगाही दे रहे हैं, कभी आपको हम पाकिस्तान की पॉजिटिविटी के हवाले से, स्पेशली मर्दमशुमारी के हवाले से भी आपको डेली आगाही दी जा रही है। बेसिक जो चीज है वो यही है कि जब आगे बढ़ने की सोच आती है तो बहुत से और मौके भी आते हैं। अब हमें ये भी सोच रखने की जरूरत है कि आगे कौन कौन सी ऐसी फील्ड हैं जिनमें जाया जा सकता है और उनमें तालीम जरूर हासिल की जाए, ये खुद भी अवेयरनेस लें और जो है इर्द गिर्द अपने जो बच्चे होते हैं उनमें भी ये अवेयरनेस जरूर लेकर आए। हमारे साथ एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी सलाम, क्या कहेंगे? सेंसस का मामला जो है ये तो अब वो उसमें ना लगाया जाए कि जी वो सेंसस के लिए, सही उन्होंने कहा कि जो होता जा रहा है गलतियां होंगी, थोड़ी बहुत होंगी, बिल्कुल वो डेफिनेटली 19 साल बाद हो रहा है काम, उसे होना चाहिए और उसे बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। हमें इसीलिए हम बाबा आवाम को भी कह रहे हैं कि आप भी साथ में जरूर पार्टिसिपेट करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों का, शुभ शिक्षा आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस चलते हैं, हमारे साथ ही रहे। एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है। पूरे 7 दिन के लिए 2000 MB सिर्फ 100 रुपए जमा टैक्स में। अभी *2*1# डायल करो और 4 गुना बेहतर 4G इंटरनेट के मजे उड़ाओ। Zong 4G। अफराद जो बनाते हैं खानदान, खानदान जो बायस बनते हैं मुआशरे का, और मुआशरे जो अक्कास होते हैं तमद्दुन और तहजीब का। हमारे अफराद, हमारे लोग, हमारी गिनती, हमारे खानदानों के लिए, हमारे मुआशरे के लिए, हमारी अकाइयों के लिए, और अब होगी मंसूबा बंदी हमारी तहजीब और तमद्दुन के लिए, मुल्क की आबादी के लिए, चूंकि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मर्दमशुमारी 2017 मैं मौजूद हूँ सिविल सर्विसेज एकेडमी लाहौर। इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, टफ कैजुअल है मगर अच्छा है। अंदर की जो लाइफ है, यहाँ पर जो ट्रेनिंग होती है वो पहली दफा मीडिया पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ट्रेनिंग का बेस्ट पार्ट क्या था? दूसरे सूबों से रहने वालों से गुफ्तगू करने का मौका मिला, दोस्ती करने का मौका मिला। हम उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि ह्यूमैनिटी को आप सर्व करेंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगी। कौन से ऐसी इम्पोर्टेंट कोशिश हैं? जो डिसीजन मेकिंग है, इट हैज टू बी रैशनलाइज्ड बाय एविडेंस, एविडेंस बेस्ड थिंकिंग। Time check is brought to you by Zong. A new dawn, a new dream. Zong 4G. This time check was brought to you by Zong. A new dawn, a new dream. Zong 4G.
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और अब तक की हेडलाइंस के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी। खैबर एजेंसी में सरहद पार से दहशत गर्दों का एफसी चेक पोस्ट पर हमला, दो एफसी अहलकार शहीद, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, छह दहशतगर्द हलाक, आईएसटीआर। चारसद्दा के इलाके सबकदर में एफसी ट्रेनिंग सेंटर पर दहशतगर्दों का हमला, एक एफसी अहलकार शहीद, दो जख्मी, दो खुदकुश हमलावरों ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन जारी, डीपीओ। पार्लियामानी पार्टियों का फौजी अदालतों की मुद्दत में दो साल की तौसी पर इत्तफाक, सलामती उमूर की निगरानी के लिए पार्लियामानी कमेटी तश्कील दी जाएगी, बिल पीर को कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की वजीर खजाना इसाक डार और पार्लियामानी रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। तोहीने रिसालत नाकाबले माफी जुर्म है और इसके मुर्तकिब अपराध को सजा दिलाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कोई भी बेगुनाह शख्स इसकी जद में ना आए, वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान। फेसबुक इंतजामिया की गुस्ताखाना मवाद पर तहफुजात दूर करने के लिए वक्त, पाकिस्तान भेजने पर असमंदी, गुस्ताखाना मवाद पर पाकिस्तान के तहफुजात से आगाह हैं और मुजाकरात के जरिए मसले का हल निकालना चाहते हैं, फेसबुक इंतजामिया। इंसानी स्मगलिंग के सदबाब के लिए मसले की बुनियादी वजूहात दूर करना जरूरी है, पाकिस्तान ने इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं, पाकिस्तानी मंदूब मरिया लोधी का सलामती काउंसिल के मुबाहिसे में इजहार ख्याल। पाकिस्तान दुनिया का 20वां ताकतवर तरीन मुल्क, अमरीका पहले, रूस दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर, 60 ममालिक के सर्वे में क़यादत, माशी और सियासी असर रसूख, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और मजबूत अस्करी इतिहाद जैसे अनासर को मद्देनजर रखा गया, अमरीकी इदारे यूएस न्यूज ने फहरिस्त जारी कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की चीन में आला क्यादत से मुलाकात, इलाकाई सलामती और दिफाई तआवुन बढ़ाने पर तबादला ख्याल, इक़्तिसादी रहदारी की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तानी इक़दामात पर एतमाद है, चीनी क्यादत। शाम के शहर हल्ब में मस्जिद पर फिजाई हमला, 42 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी, हमले के वक्त मस्जिद में नमाजियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। शिमाली कोरिया की जौहरी सलाहियत के खात्मे से मुतालिक 20 साल अमरीकी पॉलिसी नाकाम रही, अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन का प्योंगयांग से मुतालिक नई सिफारती पॉलिसी वजह करने के आजम का इशार। एशिया के पहले दौरे के दौरान टोक्यो में जापानी हम मनसब के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की हॉकी टीमों के दरमियान 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज वॉलिंगटन में खेला जा रहा है, अब्दुल हसीम खान टीम की क्यादत करेंगे। अब तक की हेडलाइंस तो आपने जानी, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पीटीवी न्यूज। एक नई फिजा छाई है, ये वो।
को सब कुछ सुबह नौलाई है। जी नाज़रीन, खुश आमदेद एक बार फिर। और जब भी मौसम चेंज होता है तो कुछ ना कुछ इंसान की बॉडी में भी चेंजेस आ रहे होते हैं, उसके माहौल में भी चेंजेस आते हैं, फिर वो अपनी डेली रूटीन में भी चेंजेस लेकर आता है। तो जैसे चेंज आ रहा होता है उसको किस तरह से अपने आप को जो है संभालना चाहिए, उसको अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों से एकदम से जो है हल्की हल्की गर्मी आना शुरू होती है, फिर एकदम से सर्दी होती है, मतलब वो तो आँख में चोली चलती रहती है जब तक कम्प्लीटली गर्मी नहीं आती है। तो इस मौसम में सबसे ज्यादा अपना ख्याल रखने की जरूरत होती है, किन किन चीजों का ख्याल रखना है, क्या खुराक खानी है, कैसे अपना इम्यून सिस्टम में आपने बेहतर करना है, इन सब चीजों पर बात होगी। आपकी कॉल्स भी लेते रहेंगे, अगर आपका कोई मसला है तो जरूर कॉल कीजिएगा। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, सबसे पहले तो मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ डॉक्टर शुमाइल जिया मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुमत रशीद नायक। साथ ही डॉक्टर अजमाल भी मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर हिरा अनीस बुम्बिया भी मौजूद है, यूरोलॉजिस्ट है, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम के चेंजेस, अच्छा ये वाला जो मौसम है ना, ये बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल होता है, एकदम से हवा चलने लगी, एकदम से सर्दी होगी कई इलाकों में, तो एकदम से बर्फबारी होगी, फिर दोबारा से गर्मी, मतलब ये समझ नहीं आता मौसम के जो चेंजेस आ रहे होते हैं उनमें अपने आप को कैसे रखा जाए, कैसे ख्याल रखा जाए, किन बातों का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होती है। जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको और आपके सारे देखने वालों को, और आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज के प्रोग्राम में दावत दी। और चेंज से मुझे बड़ी एक अच्छी सी बात याद आ रही थी, एक बड़ी मशहूर कहावत है, द ओनली थिंग दैट इज कॉन्स्टेंट इन लाइफ इज चेंज। तो चेंज इज वेरी गुड थिंग, चेंज होना बहुत जरूरी है, और ये कानून कुदरत है, और कानून कुदरत ऐसे ही चलता है। बट कुछ चीजों के जब पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, तो जहां पर भी हम डॉक्टर्स बैठे होते हैं तो ऑफकोर्स हेल्थ की सारी नेगेटिविटी हमसे एसोसिएट कर दी जाती है कि हम सारी वो सारी बातें बताएं जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं जो चीज आपको डैमेज कर सकती है। तो सबसे पहले तो नाजी ये बताऊं कि जो भी जैसे ही आपका एनवायरमेंटल चेंज आता है, जैसे सर्दियों से गर्मियों के अंदर आप शिफ्ट हो रहे हैं या गर्मियों से सर्दियों की तरफ जा रहे हैं, तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्टिव होते हैं, क्योंकि जो चेंज ऑफ एनवायरमेंट होता है वो उनको एक्टिव करता है। तो इसलिए आप देखती हैं कि जब भी वेदर चेंज होता है तो अमूमन लोगों को खांसी, नज़ला और ये सारी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। तो चेंज ऑफ वेदर में हम सबसे पहले तो जो है यही एडवाइस करते हैं, बाकी तो सब मेरे दोनों सीनियर डॉक्टर्स मौजूद हैं, इतने काबिल लोग मौजूद हैं, ये ज्यादा बताएंगे। हम सबसे पहले तो ये एडवाइस करते हैं कि आप ड्रिंक जो है आप पानी बहुत ज्यादा पिए, और पानी का जो बहुत ज्यादा पीना होता है वो आपको बहुत सारी चीजों से महफूज रखता है, खासतौर पे अब जो है गर्मियों की आमद आमद है, तो उसमें उसमें हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मगर हम वाटर की और पानी की जो है जो उसकी अफादियत है वो हम खो बैठे हैं। तो हम जो है एक 50 रुपए की कार्बोनेटेड ड्रिंक तो पी लेंगे मगर हम घर का उबला हुआ पानी नहीं पियेंगे। तो ये चीज होती है, और जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो फिर मैं कुछ और चीजें भी इसमें डॉक्टर एक चीज अभी पानी के हवाले से उन्होंने बात की, पानी का मसला सबसे बड़ा ये आता है कि पानी कोई कहता है कि जी नीम गर्म पानी पिए, कोई कहता है जी ठंडा पानी पिए, अब हर एक का बॉडी टेम्परेचर भी अलग अलग होता है, किसी को नीम गर्म सूट करता है, किसी को नहीं करता है, किसी को सादा पानी सूट करता है, किसी को ठंडा पानी ज्यादा सूट, क्या करना चाहिए? अच्छा क्या ये ड्रिंक्स वगैरह जो है उन्होंने बताया कि वो पी लें, मशरूबात पी लें या ठंडा पानी पी लें, क्या ये क्या चीज बेहतर है? थैंक यू नाजिया फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। देखिए वाटर तो अब जैसे आपने कहा सूटेबिलिटी है, किसी को नीम गर्म पानी सूट करता है, आपने फरमाया पूरी दुनिया में अगर 6 अरब लोग हैं सबको नॉर्मल टेम्परेचर का पानी सूट करता है, ठीक है नॉर्मल वाला, ये नीम गर्म नॉट वेरी, ये मेडिकल मेडिकल फैक्ट है। बात ये होती है कि जैसे हमारा एक सेंटर है ब्रेन में जो कि हमें प्यास लगाता है, और हमें प्यास के बारे में सेंसर्स होते हैं उसमें जो सेंस करता है कि हमें प्यास है, हमें कितना पानी इंटेक करना चाहिए। जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो वक्त से पहले हमारी प्यास बुझ जाती है, तो हमारा वाटर बॉडी में उतना जा नहीं पाता जितना हमें कूलिंग डाउन के लिए चाहिए और जितनी हमारी नेसेसिटी है। मशरूबात अगर प्यास लगे तो उसका मतलब यह है कि पानी की कमी हो गई, उसमें हम क्या करते हैं कि हम ऐसे ड्रिंक्स पीते हैं जिसमें पानी का कंटेंट कम होता है, विच आर मशरूबात। अब मशरूबात में या तो शुगर होगी, या अब जैसे डॉक्टर शुमाइल साहब फरमा रहे थे कि उसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स हम लेते हैं, उसमें सॉल्यूट लोड होता है, उसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है, फॉस्फेट्स होते हैं, विच इज वेरी बैड टू हेल्थ, और किडनी के लिए तो बहुत डैमेज करता है।
तो अब एक सिस्टम जिसको हमें रन करना था हम उसको और पीछे लेके जा रहे हैं। तो हमने अपने आप को वाटर टू प्रोवाइड नहीं किया, हमने तो मजीद उसको गाढ़ा कर दिया खून को। तो सबसे पहले पानी पीना चाहिए, और पानी जितना जरूरत है उससे खून भी पतला रहेगा और आपका। अच्छा, दूसरी प्रैक्टिस मैं बताना चाह रहा था कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल गया कि हम बॉटल से पानी पीते हैं। एक बॉटल हमने रखी है उसको वक्फे वक्फे से हम पीते रहते हैं। तो ये जो हमारा एक्ट है ना बॉटल से पानी पीने का, ज्यादा दफा हम पियेंगे तो हमारा ब्रेन हमें मैसेज देगा कि आपने 2-3 दफा ये मैन्यूवरिंग कर ली है, अब दैट्स इट। तो ड्रिंक फ्रॉम ग्लास, आप ग्लास रखें गाड़ी में या जहाँ भी आप जा रहे हैं, छोटा सा ग्लास। वंस पीना चाहिए पानी या आप थोड़ा थोड़ा करके पिए? थोड़ा थोड़ा करके पिए हैं, लेकिन एक ही गो में पिए। अच्छा, एक ही गो में पिए। अगर आपने एक घूंट पिया फिर आपने रख दिया, हालांकि आपको नीड की एक ग्लास ऑफ वाटर की, एक ग्लास चाहिए, लेकिन आपने एक ही घूंट पिया, आपने एक घूंट पिया, अब वो ब्रेन मैसेज दे रहा है कि 3-4 दफा जब आप ऐसे हाथ की मैनेवरिंग कर लेते हैं तो एक विजुअल इम्पैक्ट होता है ब्रेन का। ब्रेन कहता है 3-4 दफा आपने एक मैनेवरिंग कर लिया, ब्रेन दें जितना हो गया हो गया, दूसरे काम बहुत हो गया। अच्छा, ओके। तो इसलिए ग्लास होना चाहिए, ग्लास साथ होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब मैं आपकी तरफ आती हूँ कि स्पेशली सर्दियों में लोग वैसे पानी कम पीते, जबकि पीना उनको जरूरी है कि पीना चाहिए, लेकिन यूज टू नहीं रहते, पर जैसे ही मौसम चेंज हो रहा होता है पानी की वैसी कमी ज्यादा होना शुरू हो जाती है। क्या कहेंगे कितना इम्पोर्टेंट है किडनीज के लिए स्पेशली, और आपको फ्लश आउट होना कितना जरूरी होता है, और पानी किस तरह से हमें जो है ये पूरा प्रोसेस करता है? अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग मी है। एज अ यूरोलॉजिस्ट मुझे इन सारी चीजों से सिर्फ एक लोगों को मैसेज क्लियर करना है कि सब कहते हैं पानी पीना है, ठीक है, पानी पीना इम्पोर्टेंट है, बट नॉट ओनली इन द शेप ऑफ प्लेन वाटर, ठीक है। क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कहते हैं स्टोन्स हैं या ये, तो डॉक्टर उनको सबसे पहले कहते हैं 12 ग्लास पानी पीना। अगर आप अपने आप को कंसिडर करें तो एक दिन में आप 12 ग्लास, मतलब जिस बंदे को आदत नहीं है उसको आप कह दें 12 ग्लास तो उसके लिए अजाबे जान हो जाएगा। जब वो 4 भी पीता है ना वो कहेगा नहीं पीना बाहर में, नहीं करना ही नहीं हमने। तो आपको इस तरह अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहिए, इस तरह चीजों को मॉडिफाई करना चाहिए ताकि वो आपके लिए बेनिफिट हो रहा देन कि वो आपके लिए मुसीबत बन जाए। ठीक है, जो हम लोग कितने पीने चाहिए ग्लास? पीने चाहिए 12 ग्लास, इसमें कोई वो नहीं है, 8-12 पीने चाहिए, बट नॉट ओनली प्लेन वाटर, प्लेन वाटर इज इम्पोर्टेंट, मैक्सिमम ग्लास आप वो ले लें, फिर उसके साथ नींबू पानी जिसमें शुगर ना हो ताकि कॉन्सेंट्रेट ना करें, ठीक है, आपकी किडनी को फ्लश आउट करे। जौ का पानी इज वेरी गुड, ठीक है, इस तरह आप मशरूबात भी ले सकते हैं जिसको आप डाइल्यूटेड करके लें, जरूरी नहीं है आप उसमें 4-5 चम्मच शरबत के मिला के फ्लेवर एंड इंक्रीज योर वाटर इनटेक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली प्लेन वाटर बट एवरी काइंड ऑफ वाटर। इसमें एक और चीज भी होती है, अब जब लोगों को कहते हैं 12 ग्लास तो फिर वो कहते हैं अच्छा हम एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं तो हम 16 ग्लास पी लेते हैं, सो दैट ऑल्सो डैमेज योर बॉडी, बिकॉज वो डाइल्यूशन हो जाती है बॉडी के अंदर, बहुत सारी नमकियात होती है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। उसके अंदर जब डाइल्यूशन होती है तो लोगों को चक्कर आना शुरू होते हैं या लोगों को डिजीनेस फील होती है या लेजीनेस फील होती है, सो दैट्स आल्सो व्हेन यू आर टेकिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप ORS ले सकते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्योंकि नमकियात भी है पानी भी है, तो दैट बैलेंस योर बॉडी, ठीक है, एंड बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस दुनिया के निजाम को चलाने के लिए बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। तो ये कैसे पता चलता है कि नमकियात की कमी है? नमकियात की कमी वैसे तो आइडियली पता चलता है जब आप जो है टेस्ट देखें, ठीक है, बट जब आपकी मॉडिफिकेशन आप जब अपनी बॉडी में करते हैं या आपकी जो हैबिट्स होती हैं उनसे पता चलता है, ठीक है। अगर आपने एक्सेसिव कोई भी चीज की ना, जिस तरह अगर आपने एक्सेसिव खेला भी, ठीक है, स्वेटिंग ज्यादा हो गई तो आपके सॉल्ट सोल्यूट्स बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फिर ये कहते हैं कि जी ज्यादा सॉल्ट खाएंगे तो भी वो अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। फर्स्ट छड़क के जो चीज खाने वाली होती है वो ब्लड प्रेशर के लिए नॉट गुड, बिकॉज दैट डायरेक्टली गोस टू योर किडनी, दैट डायरेक्टली अफेक्ट योर बॉडी, तो ये इससे दैट हेल्प योर बॉडी टू फ्लश आउट, क्योंकि जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी वो इतना किडनी आपको होल्ड करके बाकी सारे एक्सट्रीट करने के लिए नींबू पानी बना लेता है। एब्सोल्यूट परफेक्ट सिस्टम टू मेंटेन अवर हेल्थ। ठीक है, ठीक है, हमारे साथ कॉलर रहते हैं, कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक है, जरा सा ऊंचा बोलिएगा, क्या कहेंगे? हेलो जी, जी क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब ये पूछा है दिन में तकरीबन कितनी बार जो है पानी पीना चाहिए? कितनी बार पानी पीना चाहिए? ठीक है, पानी पीने का भी तरीका है, तो कितनी बार पीना चाहिए पानी, कैसे पीना चाहिए, चलिए आपको भी बता देते हैं। ठीक है जी, डॉक्टर साहब कौन जवाब देगा? बिल्कुल,
डॉक्टर साहिबा ने सारी बातें कंप्लीट कर दी, इसमें कोई 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 बात रह नहीं गई। बस जो थोड़ी सी बात मैं बताना चाहूँ, एक लाइक इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि बहुत सारे लोग 18 ग्लास और 16 ग्लास पी जाते हैं जब उनको बोलते हैं पानी का। मेरा एक पेशेंट था डर्मेटोलॉजी का, उनको एक्नी थी उस बच्चे को, तो वो इतना ज्यादा रिलेक्टेंट था और इतना ज्यादा ऑब्सेस था अपनी एक्नी के बारे में। हाँ। तो मैंने उसको कहा कि अपनी हाइड्रेशन मेंटेन करो। तो वो जो है फिर मेरे पास 2 हफ्ते बाद आया और बोलने लगा कि सर मैं तो अब 20 ग्लास पानी पीता हूँ। अच्छा। और तो इसे हम साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया भी कहते हैं कि जिसमें अमूमन पेशेंट बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं। तो वैसे जो अमूमन बोला जाता है कि 8 to 12 जो ग्लास हैं, अगर आप 8 से शुरू करें, 8 का मतलब तकरीबन 2 लीटर होता है। तो वैसे मैं अपने पेशेंट को 6 to 12 के दरमियान बोलता हूँ, क्योंकि जब आप उनको 12 बोलते हैं तो 12 ग्लास तो मुझे नहीं लगता कि कराची की लाइफ में या जितनी भी शहरी जिंदगी है लोग इतना पानी पीते हैं। तो मैं अमूमन ये कहता हूँ कि 6 और 12 के दरमियान जितने आप ग्लास पी सकें। और बाकी सर ने तो बात कंप्लीट ही कर दी थी कि जो हम बार बार ये मैनूवर कर रहे होते हैं उससे हमारी बॉडी को एक नेगेटिव इंपैक्ट जा रहा होता है। आप देखें तो पुराने सुबह सवेरे जो कहते हैं सुबह सवेरे उठकर जो पानी पीने का तरीका है वो क्या है, उससे भी जरा बात करते हैं। डॉक्टर अजमाल आपसे सवाल लूंगी लेकिन एक कॉलर से बात करने के बाद। हरी जी सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम, आपके आने वाले डॉक्टर साहिबान सबको सलाम और जुमा मुबारक। मेरा सवाल ये है कि अभी गर्मियों का मौसम शुरू हो रहा है, कराची में माजी में हीट वेव आ चुकी है, हम ये देखते हैं कि अक्सर ऐसा होता है लोगों को पता नहीं चलता उनके सॉल्ट यानी मैग्नीशियम पोटेशियम क्लोराइड ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं एकदम कम हो जाते हैं, और फिर उसमें हीट वेव वगैरह हो या कहीं ऑक्सीजन कम हो तो एकदम से आदमियों की तबीयत खराब होती है, बच्चे भी बड़े भी बेहोश हो जाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक करने के लिए क्या जाए और गजाओं में कौन सी गजाएं खाई जाए और पानी ही पिया जाए या ओआरएस, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि ओआरएस पीने से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, खाली अगर पानी का इंटेक अच्छा हो वो कौन सी रसायन है जिससे ये मेंटेन रहे हमारे सॉल्ट। ठीक है अभी बताते हैं, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एक सवाल याद रखिएगा, मैं एक और कॉलर से बात करती हूँ। हेलो जी सलाम अलैकुम। हेलो जी सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी क्या कहेंगी? स्टमक का प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब से पूछना था कि जो चीज खाते हैं क्या हो जाती है। अच्छा, तो हजम नहीं हो रहा, इसका मतलब आपको क्या खाती हैं खाने में वैसे आप? हेलो, चलिए लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। ठीक है, दोनों सवालों के जवाब आप में से जो भी देना चाहे। जी डॉक्टर अजमान। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि आप प्लेन वाटर इतना नहीं ले सकते, मुमकिन नहीं होता, लेकिन स्टार्ट विद प्लेन वाटर से ही करना चाहिए। जी, सुबह सवेरे कहते हैं। सुबह सवेरे भी कोई ऐसा कोई ये इतना ऑब्लिगेटरी नहीं है कि आपने सुबह सवेरे पानी पीना ही है, लेकिन सम वाटर विल हेल्प सम वाटर, लेकिन कोई ऐसा नहीं बनाए कि आपने 2 ग्लास पीना है लाजमी। वॉट एवर यू नीड इज इंडिविजुअलाइज। और डॉक्टर साहब के पास आंसर देने का टाइम कम था, वरना मैं यकीनन इसमें ऐड करती हूँ कि ORS से जाहिर है डायबिटिक पेशेंट्स तो नहीं ले सकते, उनके लिए फिर थोड़ा सा उसमें क्योंकि शुगर भी ऐड होती है, तो वो मैं उनकी बात ही कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। लेकिन इस इंडिविजुअलाइज और जो सही फरमा रही थी कि आप जैसे हम कोई स्मूथी बना लेते हैं, कोई शेक बना लेते हैं, वो भी ले सकते हैं, उसमें मिल्क फॉर्म में भी वाटर जा रहा होता है, जरा ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा नहीं हो, जैसे मिल्क लेते हैं ना, अब हम वी वॉन्ट टू टेक सम बेवरेज, तो आई वुड रिकमेंड कि मेक सम स्मूदी। यहाँ तो फ्रूट्स इतनी प्लेंटी अवेलेबल हैं कि हम उसमें या तो हम उसको थोड़ा आधा दूध आधा पानी मिला के उसमें भी फ्रूट डाल सकते हैं, वो भी जा सकते हैं, क्योंकि टेस्ट की वजह से इंसान इनटेक उसका बढ़ेगा, वैरायटी ऑफ टेस्ट की वजह से वो ज्यादा फ्लूइड ले सकता है। बिल्कुल सही फरमा रही है। और दूसरा यही था कि मैं आई वुड नेवर नेवर एवर एडवाइस टेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक, नेवर एवर, क्योंकि दैट कम्प्रोमाइज योर बोन्स, दैट एक्स्ट्रा शुगर लोड, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि लीमू पानी ले लें, उसमें एक्स्ट्रा शुगर ना डालें। हाँ। तो आई टोटली सेकंड दैट, बिल्कुल ऐसा सही आपका टेस्ट भी हो जाता है और फिर आपका जो बाज लोग जो वो हाजमे का समझते हैं कि हजम हो जाता है या हमें रिलैक्स हो जाते हैं, तो वो ये कि लीमू पानी भी पी लेंगे खाने के बाद तो भी वो रिलैक्स। लीमू पानी का बेनिफिट ये है कि एज सून एज इट गोज इन योर स्टमक इट चेंजेस इट्स पीएच, अच्छा, बिकम्स अल्कलाइन। Okay. जब आप उसको ले रहे होते हैं वेरी एसिडिक, हाँ। बड़ा खट्टा है, हाँ। लेकिन एज सून एज इट गोज इन योर बॉडी बिकम एल्कलाइन, और जितना ज्यादा एल्कलाइन फूड होगा उतना ज्यादा हेल्थ प्रमोट करेगा। Okay. जनरल रूल है, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, बट लेकिन जनरल। ठीक है, एक एक लेकिन हर चीज एक मिकदार में, ये नहीं कि आप डे एंड नाइट आप बिल्कुल छिड़क छिड़क के छिड़क छिड़क के पी रहे, वो भी जो है वो हर चीज एक बैलेंस में होनी चाहिए। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर और है, जमीला। जमीला क्या कहेंगी? जी मैं ये कहूँगी कि मेरे बाजू में दर्द रहती है ना। बाजू में दर्द रहता है, कौन से बाजू में? राइट लेफ्ट? लेफ्ट लेफ्ट यानी जो उल्टे हाथ में। ठीक है, कुछ सवाल करेंगे से? आपकी उम्र क्या है? उल्टे हाथ में दर्द रहता है हर वक्त। आपकी उम्र क्या है जमीलो? 32 साल।
कितनी? 32 साल। अच्छा, आप जो है बाहर, मतलब आप ज्यादातर अपना टाइम घर में गुजारती हैं या फिर आप बाहर सन बाथ लेती हैं या मतलब आप पूरा दिन बाहर की तरफ जाती हैं? सारा दिन काम करती हैं। सारा दिन आप मतलब घर पे ही होती हैं? जी जी। अच्छा, और आपकी हड्डियों में आपको पूरे जिस्म में तकलीफ रहती है? सिर्फ हाथ में। अच्छा, आप जो है गिरी तो नहीं है, मतलब? ठीक है ठीक है। अच्छा, थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। अच्छा, एक बार एक वक्त में ना मेरे एक बाजू में बहुत दर्द होता था, मुझे समझ नहीं आता क्यों हो रहा है, वो एक अजीब सा एक पेन होता है। बाद में पता ठंड लग गई, मतलब जब उसको वार्म रखा तो उसे, अभी ब्लड सर्कुलेशन होता है, ये क्या होता है? इसमें बहुत सारी चीजें भी शामिल होती है। सबसे पहले तो मैं मैडम को ये बोलना चाहूंगा कि जो आपके जो ये करीबी डॉक्टर हैं, प्लीज आप उनके पास जाएं और एक एक्सरे तो हम जरूर करवाएंगे इसका एटलीस्ट। मगर ज्यादातर खवातीन के अंदर आजकल बहुत कॉमन है विटामिन डी और कैल्शियम लेवल हम चेक करवाते हैं, तो उसकी कमी की वजह से भी बोन में पेन रहता है। बट लाइक इतनी जितनी उन्होंने बात बताई है तो मैं इस पे कोई डायग्नोसिस तो नहीं राइट नाउ दे सकता, मगर कैल्शियम लेवल जरूर हम चेक करवाएंगे और जो करीबी डॉक्टर उनको जाके दिखाएं। और अब तो विटामिन डी के एम्प्यूल भी आ रहे हैं जो हम पेशेंट को बोलते हैं आप तोड़ के पी लें, तो वो कैल्शियम का लेवल मेंटेन रहता है। और बीच में मैं एक चीज और ऐड करूं कि एक बीच में कॉलर का सवाल आया था, कोई खातून थी जिनको सुबह के टाइम पे मछली होती थी, खाया नहीं जा रहा था, तो इसको हम गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स कहते हैं। बेसिकली होता यह है कि जो खाने की नाली और जो हमारा मैदा होता है वहां पे एक लाइक इस तरह का एक कनेक्शन होता है। होता यह है कि कुछ लोगों में स्ट्रेस की वजह से या कुछ इन्फेक्शन होते हैं जिसे हम एच पायलोरी इन्फेक्शन कहते हैं, तो ये जो एसिड जो हमारे मैदे के अंदर होता है ये एसिड ऊपर की तरफ जा रहा होता है खाने की नाली में। तो इसको रोकने के लिए हम यहाँ पर भी यही बोलते हैं कि जी आप पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें और चंद एक टेस्ट होते हैं इस चीज को मालूम करने के लिए कि वो इन्फेक्शन तो आपके मैदे में नहीं है, तो वो हम टेस्ट जो है सजेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो जाता है। और सिर्फ एक चीज ऐड करता हुआ चलूं कि रात में जब वो सोएं तो उनके लिए मैसेज ये है कि तकरीब एक या दो पिलोज जो है जो वो अपने सर के नीचे जी ऊपर अच्छा। करके खाना भी रात को सुधरा और जो पहले खा जी खाना उसमें तकरीबन 3 घंटे पहले आप खाएं सोने से और उसमें सॉफ्ट डाइट खाना जी बिल्कुल सॉफ्ट डाइट बिल्कुल आप सॉफ्ट डाइट का इस्तेमाल करें हल्का खाना। अच्छा, एक और कॉलर से बात करेंगे। हरजी अस्सलाम वालेकुम। खालिद अस्सलाम वालेकुम। ओहो, ड्रॉप होगी लाइन, ठीक है आप दोबारा से कॉल कर लीजिएगा। अच्छा जी, मुझे बात क्लियर करनी थी। वन ऑफ द कॉलर्स ने कहा कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि ओआरएस से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मेरा ये मतलब नहीं था कि ओआरएस से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नॉर्मल जो सॉल्ट आप खाने के ऊपर छिड़क के खाते ना, दैट इंक्रीज द चांसेस ऑफ इंक्रीज बीपी। ठीक है, ओआरएस इज गुड, ओआरएस नॉर्मल जिनको डायबिटीज हर कोई नहीं खाना, सिर्फ एक डायबिटीज का मसला है क्योंकि उसके अंदर शुगर का कंटेंट होता है एंड एक्सेसिव ऑफ एनीथिंग इज बैड। इसलिए मैंने आपसे एक सवाल किया था कि ये पता कैसे चलेगा कि इस वक्त बॉडी में कमजोरी है और नमक वो लें तो या फिर वो ORS लें, ये इस पर ये कैसे मालूम कैसे चलेगा? इसमें जब ORS का हम स्पेसिफिक जो इंडिकेशन होती है ना, वो उस वक्त जब पेशेंट को बहुत वॉमिटिंग हो रही हो या डायरिया हो रहा हो, जहां आपको पता चला होता है एक्सेसिव कंटेंट बॉडी से बाहर निकल रहा है, ठीक है, जब बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही उन चीजों को, तब वहां पर चलता है कि अच्छा ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में इतनी कोई एक्सेसिव नीड नहीं होती, एक्सेसिव एक्सेप्ट फॉर दोज पीपल जो बहुत ज्यादा बाहर खेलते हो धूप में, जिनको बहुत ज्यादा स्वेटिंग या बहुत ज्यादा या लेबर हो, जिनको बहुत ज्यादा एक्सेसिव वर्कलोड हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में होता है कि जहां ज्यादा लॉस हो रहा था वहां हम एडवाइस कर देंगे ठीक है यू कैन टेक। अच्छा, हमारे साथ कॉलर हैं, फिजा हैं क्वेटा से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, फिजा क्या कहेंगी? वालेकुम सलाम, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी, बात कीजिएगा, क्या सवाल क्या बता रहे हैं? डॉक्टर साहब, वो सुबह निहार मुंह कहते हैं कि नींबू पानी पीना चाहिए, लेकिन क्या ज्यादा पीना चाहिए? नींबू पानी निहार जी, गुड्डे फेल हो जाते हैं, क्या ये सही है, क्या पीना अच्छा, चाहिए? बड़ी सारी बातें आती हैं, मैं भी डॉक्टर साहब से डिस्कस कर लेते हैं, आपसे भी, आपने से कोई भी इस बार का जवाब देना चाहे। नींबू पानी के अलावा लोग एप्पल साइडर विनेगर भी डालकर एक चमचा जो पीते हैं पतला होने के लिए, ज्यादातर ये टोटका जो इस्तेमाल किया जाता है, तो ये क्या है, इसको करना चाहिए सुबह सवेरे इस्तेमाल? इसमें उन्होंने कहा कि किडनी पे असर पड़ता है। ये जो मेरा टेक इस पे ये है कि वजन जो कम होता है ना, वो सिर्फ एक्सरसाइज से कम होता है, ठीक है, डाइट्री कंट्रोल
एंड एक्सरसाइज आर द मेन बेसिक रूल्स अगर आपको वजन कम करना है. ये सारी चीजें इसलिए ताकि बॉडी से एसिडिटी कम हो जाए या बॉडी से आप फैट डाइजेस्ट करें, ठीक है. बट अगेन एक्सेसिव ऑफ एनीथिंग इज बैड. आप लिमिटेड अमाउंट से ले रहे हैं, इससे किडनी फेलियर कहीं नहीं होगा, कहीं गुर्दा जाया नहीं होगा. एंटी एनलेस आप वही जज्बाती हो कि मेरा जल्दी से वजन कम हो जाए, आप आधी बॉटल आपने डाल दी रोज, 10 ग्लास पी ली होती, कोई भी एक्सेसिव नहीं. हाँ, एक्सेसिव में ऑब्वियसली इट विल बी बैड. पर अगर सुबह पानी लेना है, पानी लेने में कोई इशू नहीं है, ठीक है. मॉर्निंग में पानी ले लें, सादा पानी भी ले सकते हैं, नींबू पानी भी ले सकते हैं, विनेगर वाला भी ले सकते हैं, बट नॉट इन एक्सेस. पर ज्यादातर कोशिश करें, क्योंकि यू आर स्टार्टिंग योर डे, सो यू शुड स्टार्ट योर डे विद प्लेन वाटर, ठीक है. वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि बॉडी की अभी बैलेंसिंग क्या है, ठीक है. की बात को सेकंड करूंगा बिल्कुल, क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं तो आपके मेदे का जो एसिड होता है वो आपकी खाने की नाली में आया हुआ होता है, तो बॉडी थोड़ी सी एसिडिक हुई हुई होती है उस वक्त. तो अगर आप प्लेन वाटर से स्टार्ट करेंगे तो वो बेसिकली फ्लश आउट कर रहा होता है, वो ड्रेन कर रहा होता है उस एसिड को. अगर आपने सुबह के टाइम पे नींबू पानी ले लिया तो वो चांसेस हैं कि थोड़ा सा एसिडिटी को बढ़ा दे. तो बिल्कुल मैं सेकंड करूंगा तो भी समझता हूँ. अच्छा डॉक्टर, इस बार ये बताएगा कि हम खुराक में अपने जो चेंजेस होते हैं वो हमें क्या क्या लेकर आ सकते हैं, और क्या क्या खुराक हमें लेनी चाहिए, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छा रहे. क्योंकि जैसे ही हम देखते हैं मौसम चेंज होता है, डस्ट हो रही होती है, कोई और प्रॉब्लम होते हैं, तो काफी ज्यादा जो है नजला जुकाम खांसी भी बढ़ जाता है. अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर से बात करते हैं, फिर हम सवाल के जवाब की तरफ भी आएंगे. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, जरा सा ऊंचा बोलिएगा, आवाज कम आ रही है आपकी. हेलो, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी. आप देखिए किसी खुली जगह जाके आप कॉल किया करें, ताकि आवाज जो है ना माइक वो सिग्नल ड्रॉप ना हो आपके. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. एक और कॉलर है. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, क्या कहेंगी, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, सवाल बताइएगा अपना. आप भी? जी जी. मेरा सवाल है कि मेरी बहन है वो बहुत कमजोर है, तो जरा हेल्दी. अच्छा जी, सही. कमजोर कितनी है, क्या हाइट है उनकी, क्या एज है? चलिए सही, ठीक है. उनको कमजोर लग रही, हो सकता है कमजोर ना हो, वो अक्सर अपने बहन भाइयों को कमजोर. कमाल की बात ये होती है कि अमूमन वालदैन को और बहन भाइयों को अपने भाई बहन कमजोर ही लगते हैं. क्योंकि जानवर 100 किलो के भी होंगे तो अगर वो एक दो दिन खाना नहीं खाएंगे तो वालदैन ये बोलते हैं कि मेरा बच्चा कितना कमजोर. एक कमजोरी हो सकती है, ये कमजोरी भी हो सकती है. और मसला ये भी होता है कि जो है बाकी सारे घर वाले हेल्दी मेंबर्स होते हैं, एक जो नॉर्मल होता है वो कमजोर. नहीं, ये हो सकता है कि कमजोरी अगर ये बता देती है कि उनको कमजोरी की वजह से चक्कर आ रहे हैं, या वो गिर जाती हैं, या वो काम नहीं कर सकती. देखिए डिटेल में जरूर बताएं, क्योंकि ये हेल्थ का मामला है. अब कमजोर है तो हमें क्या मालूम क्या कमजोर है, ठीक है. डिपेंड करता है कि विच पार्ट ऑफ पाकिस्तान डू यू लिव. एग्जैक्टली, वो डिटेल बताएंगे पड़ेगा क्या डेफिनेशन उस एरिया में कमजोरी. ओके जी, हमारे साथ एक और कॉलर से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, अपना सवाल बताइएगा. जी सैयद शकील बुहारी कलर सीडा से बोल रहा हूँ. जी जी. मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरे आधे सर में एक दर्द रहता है काफी अरसे से, कभी लेफ्ट और कभी राइट, और किस कदर शदीद होता है कि इस तरह के आपको क्या बताऊं कि जैसे कोई मतलब बहुत शदीद दर्द होता है इस चीज का. अच्छा, क्या बोलने, दर्द रहता है, दर्द रहता है सर. तो सवाल करेंगे डॉक्टर साहब, जी बात करें. हाँ, दर्द आपको रहता है, नजला रहता है आपको? नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं है, ना नजला है ना कुछ है, लेकिन ये सर कभी इसका तकरीबन ये रेगुलर ही होता है, लेकिन बीच में कुछ दिनों के बाद ये इतना शदीद हो जाता है. वॉमिटिंग तो फील नहीं होती, मतलब उल्टी तो नहीं आती, शदीद दर्द अगर सर में होता जब? नहीं बाजी, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब है कोई उल्टी वगैरह कुछ भी नहीं आती. ये बलगम गिरता है, हलक में बलगम गिरता है? नहीं कुछ भी नहीं है. अच्छा, एक एक चीज आप करिएगा, पहले एक नाक का जो हिस्सा है उसको आप बंद करके देखें, सांस आप ले रहे हैं तो सही से आपका पूरा सांस जा रहा है. दूसरे को देखें, अगर सांस अगर जा रहा है, अगर नहीं, अगर एक भी ब्लॉकेज है इसका मतलब नजले का मसला है आपको. इनकी मैं खुद पाकिस्तान आर्मी से हूँ, ऐसे कोई मसले नहीं है, फिजिकल में बिल्कुल फिट हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ मुझे ये कभी राइट और कभी लेफ्ट होता है, एक माह के बाद ये इस कदर. डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं ब्लड प्रेशर आपने चेक करवाया है?
जी ब्लड प्रेशर मुझे जब ये दर्द होता है तो फिर ब्लड प्रेशर मेरा बहुत हाई हो जाता है। तो है हाई है ना, तो ब्लड प्रेशर ही हाई है। ठीक है, चलिए अभी आपको बताते हैं, अभी आपको बताते हैं। ठीक है, ओके जी, एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या कहेंगे? मैं महनूर बात कर रही हूँ, टॉम फैसलाबाद। मेरी बेटी है 7 ईयर्स की। हाँ हाँ। तो उसका वेट बहुत है, उसका वेट तकरीबन पहले उसका था 25, अब 27 है। अच्छा। तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रही हूँ, मैंने उसके टेस्ट भी करवाए हैं, तो टेस्ट वगैरह उसके क्लियर है हर तरह से। वैसे खाना भी इतना ज्यादा नहीं है, स्कूल बस उसकी वो स्टिचिंग बहुत ज्यादा है। घर में कोई मोटा है? घर में कोई मोटा है माँ बाप में से या फैमिली में? उसके बाबा है, उसके बाबा है। अच्छा, कोई सवाल करेंगे? बिल्कुल, इसमें हम ये बोलते हैं कि अभी तकरीबन 12 साल या 15 साल की एज तक तो आप, 12 से 13 साल की एज तक तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, उसके बाद फिर हम डाइटरी हैबिट्स अभी आपको बताते हैं, आपको डिटेल में बताते हैं। जी अभी हम जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहें। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौलाई है, ये वो और नई है सुबह नौ, आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में हो, गांव में या फिर मशरक़े वुस्ता में, HEC से मंजूर शुदा मैट्रिक से PhD तक यानी तालीम अब आपकी दहलीज पर। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर बहार 2017 का आगाज हो चुका है। तफसीलात के लिए देखिए कौमी अखबार या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.aiou.edu.pk। हमारा अर्ज, म्यारी तालीम सबके लिए। वो सब कुछ सुबह नौलाई है, ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो। जी नाज़रीन, खुश आमदीद एक बार फिर। आज आपके हेल्थ के हवाले से बात हो रही है, मिसेज रऊफ हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। फिर जो एक कॉलर जिनकी कॉल आई थी, जिन्होंने अपनी बच्ची के वेट के बारे में पूछा, तो उनका भी सवाल का जवाब देते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मिसेज रऊफ। ठीक है जी, अपने सवाल कीजिए। हाँ, मुझे ये पूछना है डॉक्टर साहब से कि ना मेरी आँख, एक लेफ्ट आँख बहुत ज्यादा पड़कती है, जैसे पूरा दिन पड़कती रहती है, मतलब 2-3 दिन से बहुत ज्यादा हो रहा है, और इससे पहले भी तकरीबन 15 दिन पहले भी यही हुआ था, खुद बहुत सही हो रही थी, लेकिन अभी 2-3 दिन से मुसलसल पड़क रही है, तो क्या किसी चीज की कमी है? ठीक है जी, शुक्र है आपने पूछ लिया, वरना तो अक्सर कहते हैं जी कुछ कोई कुछ होने वाला है जी, जो सीधी आंख फड़केगी जी पैसा आने वाला है, ये वाली बातें होती हैं, लेकिन अच्छा आपने पूछा है, अभी आपको सवाल का जवाब भी देंगे जी। दोनों सवालों के जवाब हैं जी। देखिए, आंख फड़कने का तो ये है कि यकीनन उनको खुद भी उन्होंने कहा है कि किसी चीज की कमी हो गई, ऐसा हो सकता है। दूसरा ये कि जो लोग रात में प्रॉपर स्लीप नहीं लेते, तो वो थोड़ा सा उनकी हाइपर एक्साइटेबिलिटी की तरफ जाते हैं, प्रॉपर रेस्ट नहीं किया हो, कुछ इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो गया, और सबसे कॉमन कॉजेस तो यही है। और इसके अलावा न्यूरोलॉजिकली मसल, बेसिकली ये ऑटोमेटिक मसल ट्विचिंग हो रही है इनको, तो कुछ क्वेश्चन हैं जो बनते हैं, वो इनको जाहिर अपने किसी डॉक्टर के पास जाके उसको इवैल्यूएट करवाना चाहिए, ताकि वो डॉक्टर को जाके जो बता उनको चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि रात में प्रॉपर सो रही हैं, रात में टाइम पे सो रही हैं, नींद रिलैक्स है, डाइट कैसी है, ओवरवर्क तो नहीं है, बहुत ज्यादा आई का इस्तेमाल तो नहीं है, 2-3 ये मेन कॉजेस तो यही है। एक रिसर्च में पढ़ रही थी, उसमें ये भी आया था कि रात को एकदम से सोते सोते आप अंधेरे में जब अपने मोबाइल को एकदम से देखते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा अपनी आंखों का असर जो है वो एकदम से, क्योंकि आप लाइट आंखों में आती है तो वो बड़ा खतरनाक भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है वो बात, और उसमें अभी ये है, जैसे आप देखेंगे कि अल्लाह ताला के जो निज़ाम है वो आपको पता है कि जो मॉर्निंग होती है हमारी, सन राइजेस स्लोली, तो हम एक्लिमेटाइज होते हैं, पहले फजर होती है, उसमें डॉन होता है, फिर वो डस्क जाता भी, सूरज जाता भी ऐसा ही है कि वो ग्रेजुअली जाता है, ग्रेजुअली। हाँ, एब्रप्ट चेंजेस इन लाइट, तो वो तो ज्यादा डेंजरस है, वो एकदम से आप उसको एकदम से लाइट देंगे, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एकदम से आप फोटॉन्स एकदम सारे आपने आई को एक्सपोज कर दिया, इट्स नॉट गुड। अच्छा, मैं बिल्कुल यहाँ पे एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगा आगे, कि बहुत सारे लोग अभी बहुत कॉमन हो गया कि स्मार्टफोन जो है वो अपने बराबर में रख के सो रहे होते हैं, और आखिरी काम जो होता है वो फोन देखते हैं, और जो सुबह का पहला काम होता है सुबह का वो फोन देखने का होता है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि जब आप सोने की तरफ जाएं तो कम से कम आधा पौन घंटा पहले या
एक घंटा पहले आप प्लीज 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 अपना फोन साइड पे रख दें, इसे हम स्लीप हाइजीन कहते हैं। स्लीप हाइजीन में ये होता है कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए आपके सोने में। अपना फोन आप जो है साइड पे रखें और बिस्तर पे लेट के या बिस्तर पे बैठ के कभी भी फोन का, रात में खासतौर पर फोन का इस्तेमाल कम से कम करें। टीवी जो है आप कम से कम देखें और कोई भी ऐसी गजा जिसमें जैसे कॉफी या टी वो कम से कम लें। और सुबह फौरन से उठते ही फोन मत देखें, पहले आप थोड़ा फ्रेश हो जाएं उसके बाद फोन देखें, क्योंकि ये सारी चीजें बेसिकली आपकी स्लीप साइकिल को खराब कर रही है। ठीक है, अच्छा हमारे साथ कॉलर उनसे बात करते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। स्पेशली मैं जो कैफीन लिया जाता है लाइक जो कॉफी और ब्लैक कॉफी का इस्तेमाल आजकल एक वजन कम करने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है, उसके बारे से भी जरा बताइएगा कि ये कितना जो है हमारे नुकसानदेह है, नहीं है, क्या है, जरा बताइएगा। लेकिन हमारे साथ कॉलर उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगर मैं रियाज अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी, आपके यकीन ने बताया था ना कि आप नियार मूंग करेले का जूस पीने आधा गिलास तो आपकी कब्ज और बवासीर जो है खत्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब से आप पूछिएगा कि ये बेहतर है या नहीं बेहतर है। ओके चले, सही है, करेले का जूस। और दूसरी कॉलर भी है जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, सवाल बताएं। गोडियां दर्द बढ़ी हुई है जी, गोडो में दर्द है। हाँ जी, गोडे में दर्द है। गुर्दे में या गोडे में? गोडे में। ठीक है, सही है, ओके। कोई सवाल? गोडे नहीं आ रहा समझ। जो 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 कमर के पीछे गुर्दे होते हैं वहाँ दर्द है या जोड़ों में दर्द है? जोड़ों में दर्द है। ठीक है, कोई सवाल करेंगे आप उनसे? अच्छा, जोड़ों में दर्द है, आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरी 45 साल है। अच्छा, काम क्या करते हैं आप? काम बात में दुकान पे करना जी। कोई मेहनत का काम करते हैं, वजन उठाते हैं? नहीं जी, कोई नहीं, वे रहना जी, कोई वजन नहीं उठाऊंगा। बैठे रहते हैं? हाँ जी, बैठे रहते हैं। वजन कितना? बॉडी, हाँ बॉडी वेट। कितना वजन है आपका? वजन कितना है? वजन मेरा है 100 किलो जी। 100 किलो। अच्छा जी, चले सही, ठीक है, आपका जवाब देते हैं जी। ओके जी, आपको बता देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। पहले आप पहले मैं जो है ये जो बवासीर और कॉन्स्टिपेशन की जो बात थी उसको क्लियर करना चाहूंगी। करेले का जूस, देखिए पहले समझें कि बवासीर है क्या। ठीक है, बवासीर जो नॉर्मली हमारे पखाने की जगह पे नॉर्मल जो वेसल्स होती हैं, जो नॉर्मल नसें होती हैं, ठीक है, उनका सूज जाने को या उनके फूल जाने को बवासीर कहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से खून रसता है। इसकी वजह ये होती है कि जब इंसान बहुत लंबी देर तक या पखाने में बैठा रहे या कब्ज की शिकायत हो, ठीक है, तो उसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि करेले का जूस इस चीज के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, फायदेमंद जो इस चीज के लिए होगा वो होगा कब्ज को दूर करना। ठीक है, कब्ज को दूर करने के लिए अगेन पानी का इस्तेमाल अच्छा, इसबगुल की भूसी, हम दोनों में देते हैं जब मोशन हो जाते हैं तब भी, लेकिन तरीका अलग अलग होता है। तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कब्ज है तो आप एक चम्मच को आधे ग्लास पानी में भिगो के रख दें। ठीक है, जब वो फूल जाए तो उसको जेली कितना खाना है, दैट क्रिएट्स फाइबर इन योर बॉडी। जब वो फाइबर बन जाता है तो वो आपकी बॉडी से जो है ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करने के बजाय और उसके बाद पानी पिए तो पानी के साथ आपके स्टूल को पास कर देगा। तो ये आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा आपको बहुत सारे जो है शरबत देते हैं कब्ज को दूर करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी जो है बवासीर से बचने के लिए या बवासीर को बेहतर करने के लिए। ठीक है, पर अगर इनके बवासीर से खून रसता है और बहुत ज्यादा रसता है तो फिर इनको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि उसके अलावा फिर हम उसका एक थोड़ी छोटी सर्जरी होती है जिसको कहते हैं आप बैंडिंग कर देते हैं। या अगर थोड़े छोटे होते हैं तो इंजेक्शन लग जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से वो बहुत बेहतर हो जाते हैं, पर उसके लिए उनको दिखाना जरूरी है। ठीक है, अगर घर में उस चीज को पालते रहेंगे तो इन दी एंड वो बहुत नुकसान भी आती है जो यूज करने के लिए दी जाती है। इसमें नहीं आती, अगर फिजर हो पकाने के रास्ते पे अगर जख्म हो तो उस चीज के लिए दी जाती। अच्छा ठीक है, हमारे साथ कॉलर उनसे बात करेंगे, फिर जो इस वक्त सवाल आते हैं उनके भी जवाब देंगे। स्पेशली वो एक बच्ची का भी आया था उसका भी सवाल जरूर उनके जवाब देना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हामिद रजा बात कर रहा हूँ वालपुर से। जी जी, सवाल बताएं जी। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि कभी कभी मेरे घुटनों से नीचे और कोहनियों से आगे बाजुओं और टांगों में शदीद दर्द होता है। अच्छा ठीक है, जॉइंट पेन। अभी बताते हैं जी, दो ऐसे आ गए थे ना सवालों के जवाब। काम क्या करते हैं? अच्छा ठीक है, अदीन के सवालों का जवाब। एक और कॉलर भी है। अच्छा, एक और कॉलर के सबके साथ ही मिलकर जवाब दे देंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सवाल बताएं जी। बाजी मैं बात कर रहा हूँ जी, मैंने दो दफा टीबी का इलाज करवाया है, तो वो बलगम है मेरे अंदर, इसलिए बलगम है और उस छाती में फेफड़ों के ऊपर वो खत्म नहीं हो रही है।
मुझे ऐसा कुछ लाभ बताएं। सिगरेट पीते हैं? नहीं मैं कोई नशा नहीं करता। पहले पीते थे जी? पहले पिए बचपन में के इसी तरह। अच्छा, कितने अर्से तक इलाज रहा है? ये 2 साल मैंने टीबी का इलाज करवाया है। कितना अर्सा, कितना अर्सा करवाते रहे हैं? ये एक साल एक करवाया, फिर 9 माह एक इलाज करवाया। अच्छा, घर में किसी और को तो टीबी नहीं है? फिर सवाल करना जी, आपके घर में किसी और को तो टीबी नहीं है? अच्छा चले, सही, ठीक है। बहुत सारे सवालों के जवाब आ गए, वन बाय वन आप लोग देते जाएं। जी डॉक्टर अजमान, पहले जो जिन्होंने बच्ची के बारे में पूछा था वेट के लिए, उसमें यह है कि यकीनन ये बात कंसर्न वाली है कि वेट बच्ची का बढ़ रहा है, और डॉक्टर शमाइल भी सही फरमा रहे थे कि 10-12 साल तक तो इस चीज को इतना ज्यादा सीरियसली ना लें, लेकिन दिस इज द टाइम के वी शुड स्टार्ट वरिंग। फिकर करनी शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहले उसकी कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करें और उसको किसी डॉक्टर के पास लेके जाएं, ये देखें कि कोई और वजह तो नहीं है मोटापे की जो मुझे लग रही है, मुझे लग रही है ऐसी कि शायद खाने से ज्यादा भी कोई वजूहत है। तीसरी बात यह है कि हम जब खाना खिलाते हैं तो हम अमाउंट देख रहे होते हैं कि हमने कितना खाना खाया, हम ये नहीं देख रहे होते कि हमने क्या खाया। अगर हम एक फ्रेंच फ्राइज और एक सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक हम पी लेते हैं या हम केचप से खाना खा लेते हैं तो हमने, हालांकि हमने अमाउंट या मकदार उसकी थोड़ी खाई होती है, लेकिन हम अपने खाने से बहुत ज्यादा खा चुके होते हैं। तो बजाय इसके कि हम एक रोटी को काउंट करें और हमने थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज या हमने सॉफ्ट ड्रिंक या कोई शरबत या कोई मीठा मशरूम हमने पी लिया तो वो ज्यादा डेंजरस है। चौथी बात यह कि जो बेकरी के बिस्किट्स आते हैं, दीज आर वेरी डेंजरस। मैंने एक दफा पहले भी ये बात डिस्कस की थी, इसमें एक खास किस्म की शुगर होती है, उसका नाम है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, विच इज वेरी डेंजरस, और उसके नुकसान ओबेसिटी के हैं, फ्यूचर में डायबिटीज हो सकती है, हार्मोन की प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती है, और खासतौर पर फीमेल्स में तो वेट शुड बी प्रॉपर, वरना आगे जाके खतरा है इस बात का, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा खतरा होता है कि आगे जाके जो नॉर्मल साइकिल्स होते हैं फीमेल्स के वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं ड्यू टू ओबेसिटी, और ओवरीज में सिस्ट बन जाती है विच इज ऑल्सो वेरी डेंजरस, तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्योर, और उसमें आगे प्रेगनेंसी में मसाइल पैदा होते हैं। तो वेट को कम करवाना जरूरी है, और टेक होम मैसेज इनके लिए यह है कि शी शुड कंसल्ट सम डॉक्टर, सम गुड डॉक्टर, अच्छे 2-3 से मशवरा लें, और सबसे पहले तो मेडिकल जो कॉजेज है उसको निकाल दें बाहर, फिर अगर डाइट बच जाती है तो डाइट को फिर देख लें, और वो भी किसी से एडवाइस लें, घर पे नहीं कर पाएंगी। ठीक है, मतलब डॉक्टर को फिजिकल एक्टिविटीज वेरी इंपॉर्टेंट, एज उसकी ऐसी है कि वो बहुत एंजॉय करेगी खेलना, शायद उसको पार्क में जाना या उसके साथ जो भी फिजिकल एक्टिविटी, आजकल तो इतने स्पोर्ट्स हैं और आजकल बहुत एक फोबिया है कि सब जो है स्पोर्ट्स में है, तो उन चीजों में अगर इनरोल कर दें बच्चों को तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है, उनका वेट लॉस भी हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, जिनका सर में दर्द था, ब्लड प्रेशर, सर में दर्द तो उनको तो ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर को प्रॉपरली एड्रेस करना चाहिए, और यकीनन डॉक्टर शमाइल कह रहे थे कि आईसाइट भी चेक करानी चाहिए, और इसके साथ ये है कि अगर शिफ्ट ड्यूटीज करते हैं, नाइट ड्यूटीज करते हैं, उसमें भी हेडेक रहता है लोगों को जो लोग नाइट ड्यूटीज करते हैं, वही न्यूरोनल हाइपर एक्साइटेबिलिटी, और ओवर टी ओवर कॉफी पीने से भी सर का दर्द हो जाता है, उनका ब्लड प्रेशर का ज्यादातर है। बिल्कुल, जो ज्वाइंट वाली बात थी उसमें सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि जी वेट कितना है और हाइट कितनी, जिसे हम बीएमआई कहते हैं, बीएमआई में हम ये निकालते हैं कि जी क्या आपकी जो वजन है वो आपकी हाइट के हिसाब से सही है या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जो दोनों ये जो इन्होंने कॉल की थी जोड़ों वाली, सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि जी आप अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएं और वो आपका पहले बीएमआई चेक करें, नंबर वन। नंबर टू, फिर जोड़ों की बहुत सारी बीमारियां होती हैं। चंद एक सवाल पूछना भी रह गया था कि सुबह के टाइम पे तो जोड़ों में दर्द नहीं होता, या कोई ऐसा काम तो नहीं करे जिसमें वजन बहुत ज्यादा उठाना पड़े, या फिर और फिर हम थोड़े से ब्लड टेस्ट भी करवा दें जिसमें हम कैल्शियम लेवल और ये सारी चीजें चेक करते हैं कि कैल्शियम भी कमी या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, कभी कभार डायबिटीज हो जाती है लोगों को, बैठे भी रहते हैं। जी बिल्कुल। और इसमें सिर्फ राइट नाउ में मतलब मैं सिर्फ यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि एक्सरसाइज प्लीज सुबह उठ के 20 मिनट वॉक जरूर करें। अगर आप वॉक नहीं भी कर सकते तो गाड़ी और बाइक का जो इस्तेमाल हमने बहुत ज्यादा कॉमन कर दिया, अगर आप दही या डबल रोटी लेने जा रहे हैं तो प्लीज आप वॉक करते चले जाए, वो भी इनफ रहेगा। कहते हैं कि अपने हाथों को भी हिलाते झुलाते रहे, ऐसे ऐसे करते रहे, कुछ मूवमेंट में रहेंगे जरूर दें अपने बॉडी को। अच्छा, हमारे साथ कॉलर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, रेहाना बात कर रही हूँ कराची से। जी जी,
सवाल मुझे ये मालूम करना है कि मुझे अपने लिए भी और अपने बेटे के लिए भी मालूम करना है, हम दोनों जो है ना वो स्ट्रीट खड़ा नहीं रह सकते, हम लोग ना थोड़ा सा हल्का सा पीछे से कुंसी निकली हुई नजर आती है या और टमी थोड़ा निकला हुआ नजर आता है, तो उसके लिए सपोर्टिंग बेल्ट जो आते हैं बॉडी बेल्ट सपोर्टिंग वो ले, उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। और मेरे बेटे का वेट बहुत ज्यादा है, 17 ईयर्स है, उसका 90 kg वेट है। तो ये आप दोनों को होता है, आपको और आपके बेटे को? मुझे, हम दोनों स्ट्रीट खड़े नहीं रहते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद फिर झुक जाते हैं, तो ऐसा अच्छा होता है कि हम सपोर्टिंग बेड में क्या करें। नहीं, आपने किसी और डॉक्टर से या आपने कोई एक्सरे करवाया अपनी बैक का? नहीं, कोई एक्सरे नहीं करवाया, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, हमारी एक चीज और, एक चीज और, एक्सरसाइज करते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं करते हैं, हमारी एक हैबिट सी हो गई, मैं सारा दिन तो घर में काम कर रही होती हूँ, झाड़ू पोछू बर्तन धोना, ना पोस्चर का ख्याल नहीं रखा है ना फिर आपने अपने से? हाँ, पोस्चर का ख्याल नहीं रखा है, इस वजह से तो अब बहुत फील होने लगा है। पोस्चर कैसे सही करना है, एक आम सा सवाल जो है वो ये आपका है ना, पोस्चर सही करना, सपोर्टिंग बेल्ट की वो इस्तेमाल करें नहीं करें। ठीक है, अभी बता दें, एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है, आपका प्रोग्राम बहुत जा रहे हैं, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। तो डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाहूंगी कि मेरी एज 23 इयर्स है और अमूमन जो है ना मेरे मैदे में दर्द हो जाता है बहुत ज्यादा, किसी भी वजूहत की बिना पे नहीं होता कि कुछ ऐसा खा लिया तो उसकी वजह से, डाइटिंग पता नहीं होता किसी भी वजह से। डाइटिंग तो नहीं कर रही है किसी किसी की? नो सर, डाइटिंग तो नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है, लेकिन वैसे मैं डाइट कॉन्शियस नहीं। ब्रेक्स आपके खाने के अंदर कितना ब्रेक होता है, एक मील से दूसरे मील में कितना ब्रेक है? नाश्ता जैसे नहीं करती, दोपहर में कुछ खा लेती हूँ और शाम में बहुत थोड़ा हल्का फुल्का, इतना नहीं खाती कि जैसे मतलब हर वक्त खाना पीना जारी रहे। चले, अभी अभी हम बताते हैं, हर चीज में ब्रेक भी जरूरी होता है लेकिन इतना भी नहीं, लेकिन हम भी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक में वापस मिलते हैं, हमारे साथ ही रहें। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है, ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ। मुल्क भर में फहरिस्त खराजात की तैयारी की जा रही है, फहरिस्त खराजात के फॉर्म में घर और घराने के बारे में मालूमात दर्ज की जाएंगी। अवाम से दरख्वास्त है कि शुमार कुनिंदा को घराने के सरबराह या किसी जिम्मेदार फर्द का नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर जरूर लिखवाएं। हम कितने हैं, हमें क्या चाहिए, गिनेंगे तो जानेंगे। जी खुश आमदेद एक बात से नाज़रीन, और बहुत सारे कॉलेज जिनके जवाब भी अभी देने हैं, और स्पेशली अभी जिनका लास्ट जो है एक पोस्टर के हवाले से कौन जवाब देगा इसका? मैं इस पे थोड़ा सा एक चीज इनसे कहना चाहूंगा कि पोस्टर के हवाले से एक तो दो तीन क्वेश्चन ये बनते कि उनकी बेटे का वेट ज्यादा है तो उनका खुद का अपना वेट कितना है, दूसरा ये उनकी डाइटरी हैबिट्स क्या है, अगर वो कोई ऐसी डाइट ले रही हैं जिसमें डॉक्टर सुमाइल कह रहे थे कि कैल्शियम का हमने लेवल देखना होगा, और दूसरा हमें ये देखना होगा कि उनकी डाइट में अगर कुछ ऐसी चीजें जो कैल्शियम को एंटी करती हैं उसके मुखालिफ हैं, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि सॉफ्ट ड्रिंक अगर आप देते हैं तो उसमें फॉस्फोरस होता है विच डिस्प्लेसेस कैल्शियम फ्रॉम बोन्स, तो अगर ये एक यूजुअल प्रैक्टिस है, लोग कहते हैं जी हमने खाने के साथ सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो दैट इज अ वेरी बैड प्रैक्टिस। तीसरी बात यह है कि डाइट में अंडे का इस्तेमाल है नहीं है, फिश खाते हैं नहीं खाते हैं, और यूजुअल खाना क्या है, खाली दाल रोटी तो नहीं खा रहे, आलू तो नहीं खा रहे, तो अगर ये चीजें हैं जो बोन फ्रेंडली नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो बोन फ्रेंडली चीजें खानी है। अच्छा, दूसरा कि उन्होंने कहा था जो बेल्ट का इस्तेमाल है वो, देखिए बेल्ट का इस्तेमाल भी किसी से एडवाइस ही लें, इट्स नॉट हार्मफुल, यकीनन अगर कोई सपोर्ट मिलेगी तो उनको बेनिफिट ही मिलेगा, लेकिन वो बहुत टाइट ना हो, प्रॉपर उसका उसकी मेजरमेंट सही हो, बहुत टाइट ना हो, बहुत लूज ना हो, और किसी प्रोफेशनल ने उसको डिजाइन किया हो तो फिर तो देयर इज नो हार्म। और एक और चीज ये कि अक्सर लोगों का पेट भी निकला होता तो भी आपका जो वो पोस्चर सही नहीं रहता, तो उससे भी पोस्चर आपका खराब हो रहा होता, तो बेसिकली ये एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके मसल्स जब टोन अप हो जाते हैं ना तो यू गेट द कॉन्फिडेंस टू बिल्ड एक्जैक्टली, और इसके लिए स्पेशल एक्सरसाइज होती है, इवन इन योगा एंड एरोबिक्स आर स्पेशली डिजाइन फॉर द बॉडी पोस्चर टू बी मेंटेन्ड एक्जैक्टली, उस टोनिंग को इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशलाइज जाए, इसके लिए आपको एरोबिक्स या योगा ज्वाइन करना भी बिल्कुल। अच्छा, कॉलर से
बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सवाल बताएं। जी मैडम, मेरा सवाल है कि मेरी उम्र जो है वो तकरीबन 46 ईयर है और मेरे ना घुटने में दर्द सा रहने लगे, तो ऊपर नीचे स्टेयर चढ़ते हुए उतरते हुए। आपकी वजन कितना? आपका वजन मेरा कोई तकरीबन होगा 65 के करीब। अच्छा, आपको सुबह के टाइम जब आप उठती है तो जोड़ों में तकलीफ तो नहीं रहती? जी नहीं, उस वक्त नहीं होती, उसके बाद होती है। जी वैसे दिन में काम करते हुए चलते फिरते होती है। जब आप रात में सोने जाती हैं उस वक्त तकलीफ महसूस करती है अपने जोड़ों में? बिल्कुल भी नहीं, इतना नहीं है सर। मैं चलते फिरते ना जब सीढ़ियां चलते थोड़ा सा स्टेप भी अगर लूँ ना तो फिर दाएं घुटने में थोड़ी ज्यादा फील होती है। दाएं घुटने और मेरी हड्डियाँ बहुत वीक है, मेरे दांत। कोई आपको चोट तो नहीं लगी? कह रही है कि वो हड्डियाँ वीक है। हाँ, चोट लगी है कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दांत भी आपके वीक हो रहे हैं? जी दांत मेरे बहुत वीक है, ऐसे घुर घुर के गिर जाते हैं और खराब हो जाते हैं। पेन वगैरह कोई नहीं मिलता। ठीक है, और मुझे बताएं कि मुझे डॉक्टर ने बताया था एंड्रॉप डी का इंजेक्शन आप देंगे। तो अभी आप चल रहा है आपका वो इंजेक्शन लगा रही हैं आप? जी नहीं, मैंने नहीं, मैं आपसे मशवरा ले रही हूँ कि क्या मुझे देना चाहिए। तो इसमें दो तरीके होते हैं, आप इंजेक्शन लगा भी सकती हैं और उसको जो उसका एम्प्यूल होता है उसको तोड़ के डायरेक्ट पी भी सकती हैं, तो वो कवर कर देगा और मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हैं कि कैल्शियम की कमी है। अच्छा, इसमें एक आपके कॉलर थे जिन्होंने वो टीवी वाला बताया था, तो एक सवाल अगर वो सुन रहे हैं तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि प्लीज आपके जो घर में जितने लोग हैं उन सबका टीबी का इलाज करवाएं। हाँ। और ये जो चीज है, कोई जो टीबी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं आपके घर के करीब प्लीज उनको जाके जरूर बताइएगा। और ये जो बहुत ज्यादा थूक का आना है, ये बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं बलगम का, कि टीबी जब खराब हो रही होती है या सही तरह से ट्रीट नहीं हुई होती, उसका इलाज सही नहीं हुआ होता, तो इस तरह के अलामत आ रहे होते हैं। तो प्लीज इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा और ये आगे चल के बड़ी खतरनाक हो सकती है। अपने सारे घर वालों का इलाज करवाना है आपने और एटलीस्ट जाके दिखाना जरूर है। ठीक है जी, एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। अस्सलाम वालेकुम जी सिद्रा। जी जी वालेकुम अस्सलाम जी, सवाल बताएं। जी आपकी, मेरा नाम सिद्रा है, मेरे बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी उम्र 18 साल है और उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है और पास में बाल भी फैल हो रहे हैं। अच्छा, चलिए सर, ये भी आपको बता देते हैं क्या होना चाहिए। सर में भी दर्द है, बाल भी सफेद हो रहे हैं जी, और आंखों में नजला रहता है। नजला रहता है? नजला नहीं, नजला नहीं कहता, वैसे आंखों में दर्द होता है और सर में दर्द होता है। अच्छा, एक चीज बता दें डॉक्टर साहब से बात करें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लोगों को नजले का पता भी नहीं चलता कि उन्हें नजला है। लेकिन यहाँ पे एक प्रैक्टिस है, मैं इसको ज्यादा रिकमेंड नहीं करता, लेकिन कहीं कहीं जरूरत होती है। डू नॉट टेक एंटी एलर्जिक एज फर्स्ट ड्रग इन नजला। ठीक है, जो आपका नेचुरल मैकेनिज्म है इज टू एक्सपेल दैट आउट। तो उसमें हम बजाय वाटर ज्यादा हाइड्रेट करने के अपने आप को, हम उसमें एंटी एलर्जिक लेते हैं, जिससे नजला ड्राई हो जाता है। सिक्रीशंस ड्राई हो जाएंगी, मोर विस्कस जारी हो जाएंगी, तो इजिली नजला निकलेगा नहीं, विच इज वेरी एसेंशियल। क्योंकि नजला जो होता है, जो हमारा जो बलगम होता है, एक्चुअली इसमें हमारे डिफेंसिव कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म को मार के बाहर फेंक रहे होते हैं। हम उसको उसके अगेंस्ट जाना शुरू कर देते हैं, नहीं लेना चाहिए अनलेस एंड अनटिल डेफिनेट साइंस हो एलर्जीज के, उसमें भी बड़ा लिमिटेड लेना चाहिए। तो बेस्ट चीज नजले में ये है कि हाइड्रेट योरसेल्फ। उसमें आई वुड रिकमेंड कि नॉर्मल टेम्परेचर का ये नीम गर्म पानी वो पिए, टेक चिकन सूप। चिकन सूप में मैंने एक दफा एक बात शेयर की थी इसी फोरम पे कि एक अमीनो एसिड होता है विच हैज एंटी इन्फ्लुएंजा प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, उसमें एंटी इन्फ्लुएंजा प्रॉपर्टीज होती हैं जो वायरस उसको किल कर देता है। तो वायरल इन्फेक्शन में तो बड़ा सूटेबल है। ठीक है, लेकिन अगर कोई कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग यखनी जो पीने का, तो वो साइंटिफिक रिसर्चेज, मेडिकल रिसर्चेज ने इट हैज प्रूवन दैट उसमें एक एंटी फ्लू प्रॉपर्टी होती है, अमीनो एसिड होता है उसमें चिकन सूप में, तो वो लेना चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लेनी चाहिए दोबारा, और उस नजले के दौरान, इस तरह की बीमारी के दौरान अपना फूड इंटेक बढ़ाना चाहिए। ठीक है, परहेज नहीं होता उसमें, बढ़ाना है, लेकिन ऐसे ना फूड्स खाएं जैसे ऑयली फूड ईट आउट ना करें, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दें। ठीक है, ज्यादा एनर्जी चाहिए। और ऐड करूंगा कुछ जो मैंने एक अभी डिजीज बताई थी, गर्ड जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें तजाबियत ऊपर आ रही होती है। कभी कभार जब ये तजाबियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इसमें भी नजले के साथ मरीज आते हैं, तो ये भी एक फैक्टर होता है जो हमें, और अमूमन जो लोग सिगरेट ज्यादा पीते हैं या जो लोग पान या गुटखा ये जो चीजें खाते हैं, इनमें भी ये नजला ये चीजें ज्यादा रहती हैं, तो इसका भी थोड़ा एसिडिटी की वजह से भी आगे कैरी हो सकता है, लॉन्ग टर्म एसिडिटी। ओके, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, सवाल बताएं। जी वालेकुम अस्सलाम, सवाल बताइएगा।
मेरा सवाल यह है कि मेरी एज 19.5 साल है और मेरा कद है 5'9". जबकि मेरा वजन है 48 किलोग्राम है. क्या मेरी एज और मेरी हाइट के लिहाज से मेरा वजन ठीक है या कम है? और मैं कितना बताया 48 और हाइट कितनी बताइए? 5'9". अच्छा ये बताइएगा कि आपके हाथों में लर्विश तो नहीं आती हो चुकी है? उन्होंने रख दिया फोन. एक और कॉलर से बात कर लेते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी कादर. जी हमारा बी 35 साल उम्र है. जी जी हेलो जी दीदी की उम्र क्या है? 35 साल. ठीक है. घुटनों में दर्द होते हैं, पैरों में. घुटनों में दर्द उनके भी. वजन क्या है? 65 किलो. कितना? 65 किलो. ठीक है. इनमें तो अगेन हम जो यही बोलेंगे कैल्शियम लेवल, इनमें तो ये वाले कॉल पे तो ये बोलेंगे कि कैल्शियम लेवल चेक कराएं और वजन जो है, मैंने हाइट नहीं पूछी तो अमूमन हम ये बोलते हैं कि हाइट और वजन के हिसाब से थोड़ा सा वजन कम करें और एक्सरसाइज करें. अच्छा विटामिन डी की कमी की वजह से भी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता ना? विटामिन डी इज कैल्शियम और बिल्कुल यही होता है कि उसका एक लाइक उसकी साइकिल होती है कि विटामिन डी जब कम हो रहा होता है तो उसूलन तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ जानी चाहिए, मगर कुछ लोग डाइट में भी नहीं ले रहे होते कैल्शियम, तो ओवरऑल पूरी बॉडी का कैल्शियम कम हो रहा होता है. इन शॉर्ट हर एक एब्जॉर्प्शन नहीं, वो हो जाती है बॉडी सॉर्प्शन, बोन सॉर्प्शन हो जाती है. बोन से निकलता है और बॉडी को आपको देना शुरू हो जाता है. एटलीस्ट बोन डिप्लीट हो रही होती है आपकी बॉडी न्यूट्रिशन पूरी करने के लिए. ठीक है. तो इसीलिए विटामिन जरूरी है क्योंकि विटामिन लॉक करता है कैल्शियम को बोन्स के अंदर. ठीक है. अच्छा पहले इन्होंने डॉक्टर शमैल ने बताया था कि कैल्शियम आप ले भी सकते हैं. अच्छा जो लेने वाला होता है, ठीक है, वो क्योंकि आपका फैट सॉल्युबल होता है तो वो उसमें 2 लाख यूनिट्स होते हैं. ठीक है. और जो इंजेक्टेबल होता है जो आप लगा सकते हैं अपने बाजू या कूले पे, तो वहाँ उस पर 6 लाख यूनिट होता है. ठीक है. एंड दैट इज चीपर. अगर बहुत ज्यादा कमी है विटामिन डी की तो आई वुड रिकमेंड कि आप इंजेक्शन लगवाएं उसका, क्योंकि उसके अंदर 3 टाइम्स ज्यादा जो है विटामिन डी की आपको क्वांटिटी मिलेगी. ठीक है. डेफिनेटली अगर लगवा रहे हैं तो कहीं सूटेबल जगह से लगाएं, नॉट ये जो दर्रे बैठे होते हैं या छोटे क्लिनिक, क्योंकि उससे भी कॉम्प्लिकेशन होती है. अगर आपका सही इंजेक्शन ना लगे तो वहाँ पे एब्सेस बन जाता है, वहाँ पे पस बनना शुरू हो जाता है जिस्म के अंदर. वो एक अलग कॉम्प्लिकेशन है. ठीक है. जो कि हम अगर सही जगह से ना लगाएं तो ये मसले हो सकते हैं. ओके जी. इन शॉर्ट कोई सवाल का जवाब दे दिया. बस ये एक जो टेक होम मैसेज है, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया बिल्कुल ठीक है, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, वो मैं कहना चाहता था बात, लेकिन उन्होंने कह दी कि वो जो विटामिन डी का रोल है वो इट लॉक्स कैल्शियम इन बोन्स. काम है कि जैसे एलसी होता है ना, चिपकाता है कैल्शियम को बोन्स, उसका ये काम है. तो विदाउट कैल्शियम विटामिन डी हैज नो रोल. ठीक है. एंड वाइस वर्सा. दूसरी बात ये है कि जो हम कैल्शियम कराते हैं, अगर वो कैल्शियम लेवल नॉर्मल भी है तो भी आपको कैल्शियम लेना चाहिए अगर विटामिन डी लेवल इज डाउन. ये जो एक्चुअल कैल्शियम हमें कराना है वो यहाँ होता नहीं है, यूजुअली परफॉर्म नहीं करते. तो जो रेंज है वो हमारी एशियंस की नहीं है, नेवर रीच टू दैट रेंज. एग्जैक्ट. अच्छा तो ये कैल्शियम का तो ये होता है कि फिर पता नहीं आप गोलियां खाएं, आप दूध पिए, कितना क्वांटिटी में लेना चाहिए, कैल्शियम कितना लेना चाहिए, ये भी कैल्शियम को पानी के साथ लें और पानी इंटेक अच्छा रखें ताकि प्रेसिपिटेट ना हो जाए, क्योंकि वो सॉल्यूट है. तो और उसको प्रॉपर पानी के साथ देते रहे. पानी देखें सबसे एसेंशियल चीज जो है ना, मैं बार बार एक ही चीज पे एम्फसाइज कर रहा हूँ, पानी ही है. ठीक है. और नॉर्मल टेम्परेचर. जी सही. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुभेंदु चीफ लाने का. थैंक यू सो मच आपका भी. बहुत बहुत शुक्रिया. इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतना ही. अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा. नाज़रीन वाले को टीम को दीजिए इजाजत. पाकिस्तान जिंदाबाद. सब कुछ सुबह नौ लाई है, ये वो और नई है सुबह नौ. अफराद जो बनाते हैं खानदान, खानदान जो बायस बनते हैं मुआशरे का, और मुआशरे जो अक्कास होते हैं तमद्दन और तहजीब का. हमारे अफराद, हमारे लोग, हमारी जिंदगी, हमारे खानदानों के लिए, हमारे मुआशरे के लिए, हमारी अकाइयों के लिए, और अब होगी मंसूबा बंदी हमारी तहजीब और तमद्दन के लिए, मुल्क की आबादी के लिए. चूंकि
हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मर्दमशुमारी 2017।